अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, जैसे ही लोग ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट दें, 5 मिनट, 9:30 का टाइम था, 9:35 तक वेट करके इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ओके, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, मुझे आवाज नहीं आ रही। नहीं, स्टार्ट नहीं किया था, वेट कर रहे थे। अच्छा 5 मिनट का कहा था, 5 मिनट हो गए हैं, लेट्स स्टार्ट। जी क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हमारे साथ सेशन में, जैसा कि ग्रुप में भी हैं, आज हमारे साथ सेशन में मोहम्मद एहसान भी हैं, और मैं आज आपका इंट्रोडक्शन उनसे करवा देता हूँ। और आज से जो है इंशाल्लाह एहसान भाई जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। एहसान हमारे जो है वो होलसेल के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। हमारी जितना भी जो है होलसेल से रिलेटेड काम जो है ऑन एन एक्सपर्ट लेवल जिसको प्रोसीड करना होता है, या जिनके ऊपर डिसीजन मेकिंग और ये वो सारे मामला जो है वो एहसान जो है वो हमारी टीम में देख रहे हैं। तो आज से जो नेक्स्ट क्लासेस हैं वो एहसान ही आपके साथ कंटिन्यू भी करेंगे। और एहसान आपके साथ इंट्रोडक्शन है, ये इवनिंग सेशन जो है हमारा, आपको पता है मॉर्निंग में आप कर रहे हो, ये इवनिंग सेशन स्टार्ट किया हुआ है। और इसमें हमारे साथ जो है सात भाई हैं, शहजाद सुभानी भाई हैं, जवाद भाई हैं और बराकात भाई हैं। तो इन लोगों के साथ ये इवनिंग सेशन हमारा चल रहा है। मोस्टली जो है भाई सऊदीया से हैं सब, और मैंने जो है वो हीलियम तक जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक ग्रिप जो है अमेजोन बिजनेस की, होलसेल प्राइवेट लेबल, जैसे मॉर्निंग के लिए किया था एहसान, सेम मैंने कवर किया है। और हीलियम के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग, कीवर्ड्स के थ्रू, और लाइक प्रोडक्ट के थ्रू ब्लैक बॉक्स में, वहां तक हमने कवर किया चीजों को काफी हद तक। बाकी आप जो है वो एहसान एक दफा ओवरव्यू ले लीजिएगा, और खुद जो है वो दोबारा से जो कंटिन्यू करना है जहां से हीलियम के नेक्स्ट स्टेप से, और प्रोडक्ट्स का इनिशियल और इन डेप्थ एनालिसिस, BSR, ये सब चीजें आप कंटिन्यू कर लेना यहाँ से, ठीक है। और ये आपके साथ हैं सब भाई, और आपके साथ एहसान है। अब आप लोग एक दफा एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन कर लें, और मेरी तरफ से यही चीजें थी। सेशन में हूं मैं, इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। एहसान ओवर टू यू, आप प्लीज कंटिन्यू करें यहाँ से। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच उसामा भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सब कैसे, आप ठीक है आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ओके जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप सुनाए। हम जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसा कि उसामा ने इंट्रोडक्शन करवा दिया होगा मेरा, कि मेरा नाम एहसान है और मैं होलसेल का जो भी मॉडल्स है उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। और बेसिकली जी आज से हम कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ पे कि किस तरह होलसेल में हम प्रोडक्ट्स हंट करते हैं या फिर हम सोर्सिंग कैसे करते हैं। तो जो जो स्टेप्स आते जाएंगे हम वन बाय वन हर स्टेप को डिस्कस करते जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, आज हम सिर्फ बेसिकली कुछ टर्म्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोड्यूस कैसे किया गया उनको, हम क्या क्या कहते हैं होलसेल में, किस किस तरह से हम किस टर्म को यूज करते हैं। आज बेसिकली हम बस ये डिस्कस करते हैं, और मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं जी। ओके, जैसे ही आपको मेरी स्क्रीन शो हो तो मुझे बताइएगा जी। हाँ जी, विजिबल है आपके स्क्रीन। ओके जी, ओके जी, विजिबल है जी। ओके, आज हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि जनरल टर्म जो हम होलसेल में यूज करते हैं वो कौन कौन से टर्म्स है जो हम यूज करते हैं। आज हम इंट्रोडक्शन कर ले, आज हम समझ लेंगे कि टर्म्स क्या है और किस तरह से हम इन्हें डील करते हैं और किस टर्म को क्या कहते हैं हम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास कोई भी जो प्रोडक्ट है सबसे पहले आ रहा है जी एसिन। एसिन का अगर आपको आइडिया हो तो एसिन होता है जी अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। कोई भी प्रोडक्ट जो अमेजोन पर लिस्ट हुई है उसके लिए अमेजोन जो है उसको एक स्पेसिफिक नंबर असाइन करता है। जैसे कि हमारा, आप एग्जांपल आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारा सबका आईडी कार्ड होता है, आईडी कार्ड पे कोई भी नंबर होता है वो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हमारा, और वो यूनिक नंबर होता है। कोई ऐसा नहीं होता कि अगर मेरे आईडी कार्ड का नंबर 1 है तो वो किसी और के आईडी कार्ड का नंबर भी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो सबका यूनिक होता है। इसी तरह अमेजोन पे जो भी प्रोडक्ट लिस्ट होती है उसके लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं जी एसिन कहते हैं। वो बता रहे हैं कि जी एसिन क्या होता है, इंटरनल ट्रैकिंग आइडेंटिफायर फॉर ईच लिस्टिंग इन देयर कैटलॉग। अमेजोन की जो एक कैटलॉग है, अमेजोन के पास एक लिस्ट पड़ी हुई है, उसमें एक स्पेसिफिक नंबर असाइन किया जाता है किसी न किसी प्रोडक्ट को, तो उसे हम कहते हैं जी एसिन।
इट्स सिमिलर टू यूपीसी बट इज एक्सक्लूसिव टू अमेज़न। ये एक बेसिकली यूपीसी की तरह का ही एक नंबर होता है जो कि प्रोडक्ट को असाइन किया जाता है, जैसे कि आप यूपीसी जानते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड से हम कहते हैं, वो भी हर प्रोडक्ट कोड के ऊपर कोई बार कोड जैसे होता है उसको हम यूपीसी कहते हैं। तो इसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट है जो अमेजोन पर रजिस्टर हुई है, हम जो है उसको अमेजोन ने जो है उसको एक असाइन किया है आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो यूनिक नंबर होता है। आप उस नंबर को सर्च करते हुए भी अमेजोन पर जो है उसके सर्च बार में प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। जो नंबर आप उस प्रोडक्ट का नंबर अगर आपको पता होगा तो आप इजीली उस प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। इसको कहते हैं जी एसिन कहते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बल्कि एक दिखा भी देता हूं आपको एसिन किस तरह हम देखते हैं। जैसे कि मैंने एक ये अमेजोन की ओपन किया हुआ है, इसे मैंने फ्रंट पेज ओपन किया हुआ है और मेरे पास एक ये प्रोडक्ट है। लेट्स सपोज कि एक मेरे पास प्रोडक्ट है और इसका मैं आपको बताऊं कि एसिन क्या हो सकता है। जैसे कि ये ऊपर नंबर आपको शो हो रहा होगा, बेसिकली ये जो नंबर है इसे हम एसिन कहते हैं और ये एक स्पेसिफिक नंबर है, सिर्फ इस प्रोडक्ट या इस लिस्टिंग को ये असाइन किया गया है तो इसको हम कहते हैं जी एसिन कहते हैं। ये मोस्टली स्टार्ट जो ये बी से होता है तो इसको हम एसिन कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जी, आप जहां पे भी अमेज़न के टर्म में एजी या एएमजी लिखा हुआ देखेंगे तो वहां पे मतलब है कि जिसमें अमेज़न इन्वॉल्व है या अमेज़न उस प्रोडक्ट में है और अमेज़न को हम डोनेट करते हैं एजी से या एएमजी से। जैसे कि अगर आप यहां पे देखते हैं तो यहां पे भी आपको कुछ प्रोडक्ट्स जब आप ओपन करेंगे तो यहां पे आपको एएमजी या एजी लिखा आ रहा होगा, यहां पे नहीं लिखा आ रहा, लेकिन जैसे हम नेक्स्ट कंटेंट को डिस्कस करते जाएंगे वहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिसमें लिखा आ रहा होगा। उसके बाद हम जाते हैं जी बीबी। बीबी जो है जी उसको हम बेसिकली बाय बॉक्स कहते हैं। बाय बॉक्स क्या होता है जी, रेफर टू द सेलर एसोसिएटेड विद द ऐड टू कार्ट बटन ऑन एनी प्रोडक्ट अमेज़न प्रोडक्ट डिटेल पेज। बाय बॉक्स जो होता है मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। जैसे कि लेट्स सपोज कि मैंने एक प्रोडक्ट ओपन की है और जब आप ऐड टू कार्ट के नीचे देखते हैं जी, ऐड टू कार्ट के नीचे जिस भी सेलर का नाम आ रहा होगा उसके पास बाय बॉक्स होता है। बाय बॉक्स बेसिकली होता है जी के ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा हो यहाँ पे और उससे नीचे जिस भी सेलर का नाम आ रहा हो उसको कहते हैं हम बाय बॉक्स। और इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट के पास, इस सेलर के पास इस टाइम बाय बॉक्स है, कि कोई भी सेल जो उस प्रोडक्ट की होगी वो सिर्फ उस सेलर को ही मिलेगी जिसका नाम यहाँ पे आ रहा होगा। जस्ट अ मोमेंट, ओके जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे बाय बॉक्स को, तो बाय बॉक्स बेसिकली जो भी प्रोडक्ट है वो शो हो रही है जहाँ पे यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा होगा उसके नीचे जो भी सेलर का नेम शो हो रहा है उसको हम कहते हैं जी बाय बॉक्स। और जिस भी सेलर का यहाँ पे नाम आ रहा होगा इसका मतलब है कि उस सेलर के पास जो है वो बाय बॉक्स इस वक्त है। तो अभी तो हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे हम कंटिन्यू करेंगे हम इस चीज़ को डिटेल में भी डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। और उसके बाद हम देखते हैं जी BSR। BSR होता है जी बेस्ट सेलर रैंक, ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली विद सेल्स रैंक, गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ वेल एन आइटम इज सेलिंग इन रिलेशन टू ऑर्डर्स अदर्स। इसका मतलब ये है कि सेलर सेल्स रैंक का मतलब होता है जी, इसको हम सेल्स रैंक भी कहते हैं, बेस्ट सेलर रैंक भी कहते हैं और BSR भी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BSR कहते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि BSR क्या होता है जी। BSR एक जो प्रोडक्ट को एक रैंक दिया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस कैटेगरी में किस रैंक पे फॉल करती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि ये जो आप यहाँ पे शो हो रहा है जी कि जो करंट इस प्रोडक्ट का सेल्स रैंक है वो 2158 है और 90 डेज में जो इसका सेल्स रैंक है वो 2429 है। तो बेसिकली सेल्स रैंक क्या जनरेट करता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो उस कैटेगरी में किस रैंक में फॉल करती है, कि उसको क्या नंबर दिया गया है, वो कितने नंबर पे उस कैटेगरी में फॉल कर रही है, बेसिकली उसको हम सेल्स रैंक कहते हैं या BSR उसे हम कहते हैं। उसके बाद आता है जी FBA। FBA का क्या मतलब है? FBA का मतलब है जी फुलफिलमेंट बाय अमेज़न।
कोई भी प्रोडक्ट जो सेल हो रही है अमेजोन पे उसको FBA सेलर्स भी सेल करते हैं और FBM सेलर्स भी सेल करते हैं। FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, इसका मुझे मतलब है कि मैं अगर एक सेलर हूँ, मैं कहता हूँ जी मैंने अपनी प्रोडक्ट को FBA करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी प्रोडक्ट को अपने पास नहीं रखूँगा, मैं उसको अमेजोन के वेयर हाउस में बेच दूंगा, वहाँ पे अमेजोन जो है मेरी प्रोडक्ट को जब मुझे ऑर्डर आता है तो मेरी प्रोडक्ट को क्या करता है, वो पिक करता है, उसको पैक करता है और शिप कर देता है जिस कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया होगा। तो इसको हम कहते हैं जी FBA। और उसके बाद आता है जी FBM। FBM बेसिकली क्या होता है जी, FBM हम कहते हैं जी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। जैसे कि मैं एक लेट सपोज कि मैं एक मर्चेंट हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं कोई भी प्रोडक्ट जो अमेजोन को भेज रहा हूँ, मैं खुद ही क्या करता हूँ जी, मैं उसको लिस्ट तो करूँगा अमेजोन पे, लेकिन मैं उसका अगर मुझे ऑर्डर आता है तो मैं उसको क्या करता हूँ, मैं उसको पिक भी करता हूँ खुद ही, पैक भी करता हूँ और शिप भी करता हूँ उसी कस्टमर को। तो इसे कहते हैं जी FBM, ये फुलफिलमेंट फुलफिल्ड बाय द मर्चेंट या फुलफिलमेंट बाय द मर्चेंट। दिस रेफर्स टू अ शिपिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द एंड कस्टमर्स योरसेल्फ। इसका ये मतलब है कि जैसे कि FBA में क्या होता है जी कि हम कोई भी प्रोडक्ट जो अमेजोन पर लिस्ट करते हैं, अमेजोन क्या करता है जी उस प्रोडक्ट को पिक करता है अपने वेयर हाउस से, वहाँ पे फिर उसे पैक करता है और उस कस्टमर तक डिलीवर करता है। लेकिन FBM में क्या होता है जी कि वहाँ पे मेरे पास मेरे अपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट पड़ी होगी, मुझे कोई भी ऑर्डर आएगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको क्या करूँ, उसको वहाँ से मैं पिक भी करूँ, मैं उसको पैक भी करूँ और वो जिस कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया है मैं उस तक उस प्रोडक्ट को पहुँचाऊँगी। तो बेसिकली इसको कहते हैं जी FBM। और एक हम FC का टर्म यूज करते हैं, FC का मतलब है जी फुलफिलमेंट सेंटर, रेफर्स टू वन ऑफ Amazon's फुलफिलमेंट वेयर हाउसेज या सेंटर्स। इसको हम रेफर करते हैं जी कि Amazon का कोई भी जो वेयर हाउस है या उसका सेंटर है, फुलफिलमेंट सेंटर है, उसको हम FC कहते हैं जी फुलफिलमेंट सेंटर्स। Amazon जो है कोई भी प्रोडक्ट जब हम Amazon को बेचते हैं तो वो क्या करता है जी उस प्रोडक्ट को अपने किसी ना किसी वेयर हाउस में रख लेता है और उसके अमेजोन के जो वेयर हाउसेज है वो हर कंट्री में डिफरेंट प्लेसेस पे हर सिटीज में होते हैं। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट अमेजोन को भेजते हैं तो अमेजोन उस प्रोडक्ट को अपने किसी ना किसी वेयर हाउस में अपने पास रखता है, जब आपको ऑर्डर आता है तो वहां से फिर उसको वो FBA करके भेज देता है उस कस्टमर तक। इसको हम कहते हैं जी FC, यानी कि फुलफिलमेंट सेंटर कहते हैं इसे। और नेक्स्ट हमारे पास आता है जी FNSKU। FNSKU का मतलब है जी फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। FNSKU बेसिकली होता क्या है, इसको आप एक समझ लीजिएगा इसको होता क्या है। ये बेसिकली FNSKU जो होता है वो आपको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, यूनिक Amazon आइडेंटिफायर प्रोडक्ट होता है, यूनिक नंबर होता है जो हर सेलर को दिया जाता है अपनी जो FBA प्रोडक्ट होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप FBA करते हैं तो आप कहते हैं जी मैंने अपनी प्रोडक्ट जो है Amazon के वेयर हाउस में बेचनी है, तो आपको Amazon जो है एक यूनिक नंबर असाइन करता है उस प्रोडक्ट के लिए, उसको हम कहते हैं FNSKU। तो आप क्या करते हैं कि जब आपने अपने प्रोडक्ट को Amazon भेजना होता है तो आप उस FNSKU जो होता है आपका, आप उस FNSKU को उस हर प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हैं, यानी कि हर सिंगल यूनिट के ऊपर आप उसे पेस्ट कर देते हैं। जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं अपने लिए और आप कहते हैं मैंने उसे सेल करना है, तो हर प्रोडक्ट के ऊपर कोई ना कोई बार कोड जरूर लगा होता है। जैसे कि आप कोई भी शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई बार कोड लगा हुआ मिलता है हर प्रोडक्ट के ऊपर। उसका मकसद क्या होता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है, उस बार कोड के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट का नेम क्या है और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। जैसे कि आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे वो क्या कहते हैं, सिर्फ स्कैन करते हैं प्रोडक्ट को और उनके जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या उनका जो भी फील्ड है उसमें वो फील्ड होते हैं, उसमें ऐड उन्होंने किए होते हैं कि इस जो बारकोड की प्रोडक्ट का नेम ये है और इसकी ये प्राइस है। तो इसी तरह हमें Amazon जो है एक यूनिक नंबर असाइन करता है जिसे हम कहते हैं FNSKUs। और FNSKUs जो है हम हर एक सिंगल यूनिट के ऊपर, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक प्रोडक्ट के 30 पीसेज है और मैं कहता हूँ कि मैंने 30 पीसेज Amazon को बेचने हैं, तो Amazon जो मुझे है उस यूनिक प्रोडक्ट का, एक सिंगल प्रोडक्ट का FNSKU असाइन कर देगा जो कि मैं हर उस 30 पीसेज के ऊपर जो हूँ पेस्ट कर दूंगा।
जब अमेजोन के पास वो मेरी प्रोडक्ट जाएगी तो अमेजोन उसको स्कैन कर लेता है और उसको फिर पता चल जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस सेलर ने मेरे पास भेजी है। तो इस तरह हमारी जो प्रोडक्ट है अमेजोन के बेरो उसमें सेफ रहती है। अगर हम FNSQ नहीं लगाएंगे तो अमेजोन को ये पता नहीं चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस सेलर की है मेरे पास आई। तो इस वजह से FNSQ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई प्रोडक्ट अमेजोन को भेजनी है तो आप FNSQs को जरूर लगाते हैं। अगर आप खुद नहीं लगाते तो Amazon आपको ये फैसिलिटी देता है कि Amazon जो है वो खुद भी FNSQs लगाता है। डेफिनेटली अगर Amazon खुद FNSQs लगाएगा तो वो उसके आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। FNSQs लगाने के Amazon चार्ज करता है। अगर आप खुद लगाते हैं, अगर अपने पास आपका अपना वेयर हाउस है तो आप खुद Amazon FNSQs लगा सकते हैं। अगर आपके पास अपना वेयर हाउस नहीं है तो आपको फिर कोई 3PL यूज करना पड़ता है। 3PL का आपको आइडिया होगा, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक जिसे हम कहते हैं। 3PL हम यूज करते हैं और उनको हम कहते हैं कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है और इसके ऊपर आप FNSQs पेस्ट कर दो और उसके वो चार्ज करता है आपसे। अगर आप Amazon से करवाते हैं तो Amazon भी चार्ज करता है इस चीज के। अगर आप 3PL की सर्विस यूज करते हैं तो वो भी आपसे चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप 3PL की जो सर्विसेज है वो आप खुद कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप फिर खुद FNSQs जो है वो पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट टर्म आती थी MF बेसिकली जो है मर्चेंट फुलफिल्ड है। उसे बेसिकली FBAM ही हम इसे कहते हैं। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया FBM, तो बेसिकली भी एक FBM ही है। इसमें क्या होता है, आइटम डेट जो शिप डायरेक्टली टू कस्टमर जो सेल्फ रेदर देन यूजिंग FBA। इसमें भी यही होता है कि जी आप जो है अपनी प्रोडक्ट को खुद शिप करते हैं कस्टमर को इंस्टेड ऑफ FBA। आप जो है FBA नहीं कर रहे, Amazon जो है वो आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर तक शिप नहीं करेगा। आपने अपने वेयर हाउस से खुद प्रोडक्ट को पिक करना है और वहां से आपने उसको पैक करके जो आपका डिसाइड कस्टमर है आपने उस तक उसको पहुंचाना है। तो इसे हम MF कहते हैं, यानी कि मर्चेंट फुलफिल्ड कहते हैं इसको हम, और इसको बेसिकली FBM भी हम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है जी MOQ। MOQ बेसिकली क्या होता है जी, MOQ होता है जी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। जो हम कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं उसकी कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है। MOQ क्या होता है जी, द मिनिमम अमाउंट यू आर एबल टू ऑर्डर। दिस टिपिकली अप्लाइज टू ऑर्डर फ्रॉम अ सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर्स। बेसिकली क्या होता है जी, कोई भी आप डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स ने अपना MOQ रखा होता है। वो कहते हैं कि लेट्स सपोज कि एक डिस्ट्रीब्यूटर वो कहता है कि मेरा MOQ जो है वो 50 pieces है। इसका मतलब है कि आप उससे 50 pieces से कम परचेज ही नहीं कर सकते। अगर आप 50 pieces से कम उससे परचेज करेंगे तो वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा परचेज करने के, वो आपका ऑर्डर जो है वो प्रोसेस ही नहीं करेगा। वो कहेगा कि अगर आपने मेरे से ऑर्डर प्लेस करवाना है तो आप जो हमारा MOQ है वो फुलफिल करें। लेट्स सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी है 50 pieces की, इससे ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो बेसिकली MOQ जो होता है वो यही होता है कि आपने किसी भी सप्लायर से जो प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है उसका कुछ ना कुछ MOQ होता है। कुछ MOQs प्राइसेस भी होते हैं, कुछ क्वांटिटी भी होते हैं। कुछ सप्लायर जो वो कहते हैं कि अगर आप हमसे 500 pounds की इन्वेंट्री परचेस करते हैं तभी हम आपका ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज हम आपका ऑर्डर प्रोसेस नहीं करेंगे। और कुछ जो है वो कहते हैं कि आप 1000 pounds का MOQ फुलफिल करेंगे तो हम आपका ऑर्डर प्रोसेस करेंगे। ये डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सप्लायर टू सप्लायर्स। कुछ सप्लायर जो MOQ ज्यादा रखते हैं और कुछ जो है वो कम रखते हैं। उसके बाद आ जाता है जी ODR। ODR बेसिकली क्या होता है जी, ODR का मतलब जी ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता है जी। ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता है जो परसेंटेज ऑफ ऑर्डर दैट कस्टमर रिपोर्ट अ सिग्निफिकेंट इश्यूज ऑन। अच्छा, ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज कि आपने एक प्रोडक्ट जो है वो किसी कस्टमर ने आपसे ऑर्डर किया और उसको वो प्रोडक्ट जो आपने शिप करी, बेसिकली आपने अगर FBA किया तो Amazon उस प्रोडक्ट को शिप करेगा उस कस्टमर तक। और अगर रास्ते में या शिप करते वक्त कोई प्रोडक्ट में मसला आ जाता है या कोई प्रोडक्ट टूट जाती है तो कस्टमर क्या करता है जो उस प्रोडक्ट पे फीडबैक अपना देता है। और वो जो नेगेटिव फीडबैक हमें रिसीव होता है वो परसेंटेज उसकी होती है कि हमें इतने परसेंट नेगेटिव फीडबैक आ गया है। लेट्स सपोज कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं Amazon पे और आपको उस प्रोडक्ट पे फीडबैक आ रहा है कि आपको हर प्रोडक्ट पे 5-star रेटिंग आ रही है, 5-star 5-star 5-star, इसका मतलब आपका जो फीडबैक है वो 100% पॉजिटिव है। और लेट्स सपोज कि एक कस्टमर आपके पास आया, उसको
उसने आपसे ऑर्डर प्लेस किया और उसको जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टेड प्रोडक्ट चली गई है या फिर उसकी जो प्रोडक्ट है वो खराब निकली है, तो फिर क्या करता है वो कस्टमर आपको फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक देता है उस प्रोडक्ट का। लेट्स सपोज को आपको 2 स्टार रेटिंग दे देगा या 1 स्टार रेटिंग दे देगा, तो वो आपकी जो फीडबैक होगा ना 5 स्टार का और 100% पॉजिटिव रेटिंग का, उसको इफेक्ट करता है। तो इस तरह जो आपकी वो रेटिंग है वो खराब होती है, तो उसे हम कहते हैं ऑर्डर डिफेक्ट रेट, कि हमारा जो ऑर्डर का डिफेक्ट रेट है वो कितने परसेंट है, तो इसको हम बेसिकली ODR कहते हैं। उसके बाद आता है जी OOS। क्या होता है जी OOS? का मतलब जी आउट ऑफ स्टॉक। इसका मतलब आउट ऑफ स्टॉक, जब भी हम OOS की बात करेंगे इसका मतलब हम आउट ऑफ स्टॉक की बात कर रहे हैं। रेफर्स टू एन आइटम बीइंग आउट ऑफ स्टॉक इन अ रिटेल स्टोर और Amazon themselves बीइंग आउट ऑफ स्टॉक ऑन एन आइटम। इसका आउट ऑफ स्टॉक बेसिकली हम कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है जो सेल हो रही है Amazon पे और उस प्रोडक्ट में हम आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं, तो हम वहां पे OOS का वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब है कि हम उस प्रोडक्ट में आउट ऑफ स्टॉक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी क्वार्टर्स को डिस्कस करते हैं हम। बेसिकली Amazon के 4 क्वार्टर्स होते हैं, Q1, Q2 and Q4। तो हम देखते हैं कि ये क्वार्टर, हम Q1, Q2 और Q4 को हम किस तरह कैटराइज करते हैं। अच्छा, जो Q1 होता है वो बेसिकली जनवरी से लेकर मार्च तक होता है, उसको हम Q1 कहते हैं। जो जनवरी बेसिकली जो एक साल में 12 महीने हैं उसको हमने 4 में डिवाइड किया हुआ है। जो पहले 3 महीने हैं उसे हम कहते हैं जी Q1, और जो अगले 3 महीने आते हैं April to June उसे हम कहते हैं जी Q2, और उससे जो अगले 3 महीने हैं जुलाई से सितंबर तक उसे हम कहते हैं Q3 एंड, और जो उससे अगले 3 महीने जो यानी कि लास्ट 3 मंथ होता है ईयर्स, उसे हम कहते हैं जी Q4, अक्टूबर टू दिसंबर। तो बेसिकली Amazon को, Amazon ने अपने आप को या हमने खुद उसको एक साल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, Q1, Q2 and Q4। आपके सामने मैंने बता दिया कि Q1 जो है वो फर्स्ट 3 मंथ होता है, जो उससे नेक्स्ट 3 मंथ होगा वो Q2 हो जाएगा, जो उससे नेक्स्ट 3 मंथ होगा वो Q3 हो जाएगा, और जो उससे नेक्स्ट 3 मंथ हो जाएगा वो बेसिकली Q4 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जी ROI क्या होता है। ROI होता है जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेट्स सपोज कि आप जो है जी बेसिकली आप इन्वेस्ट ही करने जा रहे हैं, अगर आप Amazon पर वर्क करते हैं तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने 1 महीना काम किया, 1 महीना प्रोडक्ट सेल की, उसके बाद आपने देखा कि मैंने 1 महीने में इतनी इन्वेस्टमेंट की है और मुझे इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना आया है। तो यानी कि अगर मैंने लेट्स सपोज के 500 पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट की है और मुझे अगर 600 पाउंड्स बची है, तो मुझे इसका मतलब मुझे 100 पाउंड का जो है वो मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मुझे वो 100 पाउंड जो है मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आया है, उसको हम कहते हैं जी ROI। क्या है ROI? क्या है हमारी? नेक्स्ट आता है जी SS। SS का मतलब है जी सेलर सपोर्ट। बेसिकली कस्टमर सर्विस फॉर Amazon सेलर्स। जो हम Amazon के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बेसिकली कस्टमर को, फिर तो कस्टमर सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, सेलर सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं जी SS, और वो होती है जी हमारी सेलर सपोर्ट होता है Amazon कस्टमर्स। उसके बाद जी हम नेक्स्ट आते हैं जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी रिप्लेनिश। रिप्लेनिश ये वर्ड है, रिप्लेनिशेबल प्रोडक्ट्स। रिप्लेनिशेबल प्रोडक्ट्स क्या होती है जी? लेट्स सपोज कि हमने एक प्रोडक्ट Amazon पर लिस्ट की जस्ट एज अ टेस्ट इन्वेंट्री, कि मैंने एक प्रोडक्ट फाइंड की, उसके मैंने सोर्सिंग फाइंड की और फिर मैंने उसे Amazon पर लिस्ट कर दिया, और मैंने लेट्स सपोज कि मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए उसके सिर्फ 10 पीसेज जो है वो Amazon को भेजे हैं, और फिर मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि मैंने जो 10 पीसेज Amazon को भेजे थे वो मेरे अगर 2 दिन में 10 पीस सेल हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि मैं इस प्रोडक्ट को रिप्लेनिश कर सकता हूँ, मैं दोबारा से इस प्रोडक्ट की जो इन्वेंट्री है वो Amazon को भेज सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जी एन आइटम डेट अ सेलर इज एबल टू रिप्लेनिश फ्रॉम अ सप्लायर एंड सेल कॉन्टिन्यूसली। इसका क्या मतलब है जी कि मैं एक प्रोडक्ट को सोर्स किया, मैंने फाइंड किया पहले प्रोडक्ट को, फिर मैंने प्रोडक्ट को हंट किया, उसके बाद मैंने उसकी सप्लायर को फाइंड किया, मैंने उसको सोर्स किया, और फिर मैंने उस प्रोडक्ट को Amazon तक डिलीवर किया। उसके बाद मैंने देखा कि मैंने लेट्स सपोज के एज अ टेस्ट इन्वेंटरी 10 पीसेज जो है वो Amazon को डिलीवर किए, और 10 पीसेज जो मेरे हैं वो अगर 2 दिन में सेल हो गया, तो मैं अब दोबारा से
प्रोडक्ट को रिप्लेनिश करना चाह रहा हूँ, मैं दोबारा से प्रोडक्ट के और क्वांटिटी अमेज़न को भेजना चाह रहा हूँ ताकि मैं कंटिन्यूसली उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहूँ, तो उस टर्म को हम कहते हैं जी रिप्लेनिश करना, कि मैंने अपनी इन्वेंट्री को रिप्लेनिश करना है, मैंने अपनी इन्वेंट्री को दोबारा से अमेज़न के वेयर हाउस तक भेजना है, तो इसको हम कहते हैं रिप्लेनिश करना, यानी कि प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली सेल करना। कुछ प्रोडक्ट्स होती है जो हम बार बार रिप्लेनिश करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होती है जिन्हें हम रिप्लेनिश नहीं करते। जो भी प्रोडक्ट ट्रेंडी होगी या सीजनल प्रोडक्ट्स होगी वो हम बार बार रिप्लेनिश नहीं करते, वो सिर्फ हम उस सीजन में या उस ट्रेंड में ही रिप्लेनिश करेंगे, उस सीजन में या उस ट्रेंड में ही उसे हम सेल कर सकेंगे, वो थ्रू आउट द ईयर हम उसे सेल नहीं करते, क्योंकि वो थ्रू आउट द ईयर सेल होगी भी नहीं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी भी होती है जो थ्रू आउट द ईयर ही सेल होती है, वो सारा साल बिकती है, तो उसको हम बार 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 रिप्लेनिश करते जाते हैं। जैसे हमारे क्वांटिटी जो है इन्वेंट्री की लो होती है यानी कि वो सेल हो जाती है, तो फिर हम उसे दोबारा से अपने सप्लायर से परचेज करके उसको रिप्लेनिश कर देते हैं, दोबारा से अमेज़न के वेयर हाउस में उसे भेज देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है जी SKU। SKU क्या होता है जी? SKU होता है जी स्टॉक कीपिंग यूनिट। This is a number and letter combination that is used to identify item in seller's inventory. अच्छा जी, SKU basically मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। कि let's suppose कि मेरे पास कुछ 10 products, different 10 products पड़ी हुई है। मैं अब क्या करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मैंने इस product को किस तरह identify करना है, कि ये product किस तरह है। मैंने फिर उस product को product 1, product 2, product 3 and up to so on product 10 assign कर देना है number। तो जब भी मैंने लिखा होगा कि ये जो प्रोडक्ट है, जस्ट सपोज कि मेरे पास एक लैपटॉप है और एक मोबाइल पड़ा हुआ है, तो मैं क्या कहता हूँ, लैपटॉप को मैं प्रोडक्ट 1 असाइन, P1 असाइन कर देता हूँ, और जो अपना मोबाइल है उसको मैं P2 असाइन कर देता हूँ। जब भी मैं P1 टाइप करूँगा तो मेरे सामने जो है वो लैपटॉप आ जाएगा, और जैसे ही मैं P2 टाइप करता हूँ तो मेरे सामने जो है मोबाइल आ जाता है। यानी कि मैंने अपने स्टॉक को कीप करना है, मैंने अपने स्टॉक को देखना है कि मैं किस तरह से उस स्टॉक को मैनेज कर सकता हूँ। अब आप ये भी कहेंगे कि आप फिर उसे लैपटॉप क्यों नहीं कह रहे, आप लैपटॉप के तो लैपटॉप का आपको पता चल जाएगा, मोबाइल के तो मोबाइल का पता चल जाएगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास लैपटॉप्स की वेरिएशंस है, मेरे पास लैपटॉप जो है HP का ही लैपटॉप है और उसकी कुछ वेरिएशंस है, तो मैं आप ये तो नहीं कहूँगा मुझे लैपटॉप पकड़ाना। तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं उसको कोई नंबर असाइन कर देता हूँ या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर असाइन कर देता हूँ। कि लेट्स सपोज HP का एक लैपटॉप है और दूसरा भी HP का लैपटॉप है, मैं कहता हूँ जी इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से मैंने इसे P1 असाइन कर दिया, और दूसरा जो लैपटॉप है उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैंने उसे P2 असाइन कर दिया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, उसको मैंने एक SKU असाइन कर दिया, मैंने एक स्टॉक कीपिंग यूनिट उसे असाइन कर दिया, कि जब भी मैं अपने स्टॉक को वेरीफाई करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं P1 जब कॉल करता हूं तो मुझे पता चल जाएगा मेरी इस लैपटॉप की इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि SKU असाइन करते हैं हर एक सिंगल प्रोडक्ट को। कोई भी प्रोडक्ट जो हम अमेज़न पर लिस्ट करना चाह रहे हैं हम उसे SKU जरूर असाइन करते हैं। SKU असाइन करने का मकसद ये होता है कि हम लेट्स सपोज अगर हम उस प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं तो हम अपने SKUs को सर्च करके उस प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। कि अगर मेरी प्रोडक्ट एक है और उसकी 3 से 5 वेरिएशंस हैं, तो मैं हर एक वेरिएशन को कोई ना कोई SKU, कोई नंबर या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर असाइन कर दूंगा, तो उसको मैं कॉल करके अपना उस प्रोडक्ट तक पहुंच सकता हूं। उसके बाद आता है कि UPC क्या होता है। UPC होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये बेसिकली एक 12 डिजिट का कोड होता है जो डिस्प्ले विद द बार कोड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दी है कि आप कोई मॉल में शॉपिंग करने जाता है तो कोई भी प्रोडक्ट जब आप परचेज करते हैं तो उसे स्कैन करते हैं। बेसिकली उन्होंने उस प्रोडक्ट का UPC अपने सिस्टम में जो है इंजेक्ट करवाया हुआ है। जब वो स्कैनर उसको स्कैन करता है तो वो फिर उस UPC को स्कैन करके उस प्रोडक्ट को वो आपके सामने ले आता है। तो जितनी भी प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल होगी मार्केट में, आप देखिएगा हर एक के ऊपर UPC जरूर लिखा होगा। UPC कोड जो 12 डिजिट का कोड होता है वो UPC जरूर हर प्रोडक्ट के ऊपर असाइन होता है। वो उसकी रीजन ही ये होती है कि हमें अपना स्टॉक जो है हर प्रोडक्ट का हम किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं, हम UPC से भी वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी VA। VA के टर्म हम वर्चुअल असिस्टेंट के लिए यूज करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है जी? जैसे कि कोई भी बंदा आपके लिए वर्चुअली जो काम कर रहा है वो आपका वर्चुअल असिस्टेंट है।
वो आपके पास भी होता है, लेट सपोज कि अगर वो आपके कंट्री का भी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं जी वीए, यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट, जो आपको असिस्ट कर रहा है वर्चुअली, उसे आप कहते हैं जी वर्चुअल असिस्टेंट। वो आपके ऑनलाइन टास्क परफॉर्म करता है, आपके कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पे टास्क परफॉर्म कर सकता है, उसे कहते हैं जी, जो आपको वर्चुअली असिस्ट कर रहा है उसी भी काम में, तो उसे आप कहते हैं जी वर्चुअल असिस्टेंट, उसे आप कहते हैं एज अ वीए, उसे आप कहते हैं। और जहां पे भी आप WS का नाम सुने, इसका मतलब है होलसेल। होलसेल बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं, हम होलसेल में ही जाना चाह रहे हैं। तो जहां भी आप WS का नाम एब्रीवेशन या कीवर्ड सुनते हैं, तो इसका मतलब आप होलसेल के बारे में डिस्कस करते हैं। होलसेल में क्या होता है, आप प्रोडक्ट को जो सोर्स करते हैं फ्रॉम द सप्लायर्स, वो होलसेलर भी हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, वो बेसिकली ब्रांड खुद भी हो सकता है। अगर आप डायरेक्ट ब्रांड से करते हैं तो फिर आप ब्रांड से सोर्सिंग करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर से कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी होलसेलर से कर सकते हैं सोर्सिंग, तो उसे आप कहते हैं जी होलसेल, यानी कि आप होलसेल कर रहे हैं किसी ना किसी सप्लायर से, होलसेलर से कोई प्रोडक्ट को एज अ बल्क परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है पीएल। पीएल जो होता है उसे हम प्राइवेट लेबल से डोनेट करते हैं। और पीएल में क्या होता है जी, पीएल में होता है जी कि हम अपना एक ब्रांड बनाते हैं। अब अमेजोन पे हम जाना चाह रहे हैं, अगर हम पीएल करना चाह रहे हैं, उसमें क्या होता है जी कि हम क्या करते हैं, हम अपनी एक खुद अपना ब्रांड क्रिएट करते हैं सबसे पहले, फिर हम उस ब्रांड को रजिस्टर करवाते हैं, उसका ट्रेडमार्क जो होता है उसको हम रजिस्टर करवाते हैं, और फिर हम उस ब्रांड के लिए स्पेसिफिक लिस्टिंग भी क्रिएट करते हैं ऑन अमेजोन टू सेल द प्रोडक्ट्स। उसमें ये होता है कि हम एक लिस्टिंग क्रिएट करेंगे अपने ब्रांड के नेम से, उसको फिर हम अपना ब्रांड कहते हैं, वो स्पेसिफिकली हमारे लिए ही होता है। अपीयर की मैं बात अगर करता हूँ तो वो स्पेसिफिकली हमारे लिए ही होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, उस ब्रांड के लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं, हम उस पर PPC रन करते हैं, हम जो कोई भी प्रोडक्ट जो बना रहे होंगे, कोई भी प्रोडक्ट अगर लिस्ट कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर हमारी ब्रांडिंग हुई हुई होगी, हमने अपने ब्रांड का टैग, लोगो, हर चीज़ खुद अपने ब्रांड की लगाई होगी, ताकि हम शो करवा सके कि ये मेरा अपना ब्रांड है, इसको हम कहते हैं PL। और होलसेल में होता है कि होलसेल में आप अपनी लिस्टिंग नहीं क्रिएट करते, आप जो पहले से मौजूद लिस्टिंग है, जो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग्स अवेलेबल है ऑन अमेज़न, आप क्या करते हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं, उनके साथ आप मीटू करते हैं, आप उनको अटैच, जो पहले से रैंक्ड लिस्टिंग होती है, जो पहले से रैंक हुई है। पीएल में आपको कोई भी लिस्टिंग क्रिएट करनी है जब आपने, तो आपने उसको रैंक करना है थ्रू PPC या PPC रन करते हैं, ताकि आप अमेज़न का पेज 1-2 पे शो हो सके। लेकिन होलसेल में क्या होता है कि हम अपनी कोई लिस्टिंग नहीं क्रिएट करते, हम क्या करते हैं जो पहले से रैंक लिस्टिंग्स अवेलेबल होती है अमेज़न पे, हम उनके साथ मीटू कर लेते हैं, उनके साथ चिपक जाते हैं, जिसे कहते हैं चिपक जाना, हम उनके साथ मीटू करते हैं, उनके साथ चिपक जाते हैं। तो इस तरह हम होलसेल में प्रोडक्ट को सेल करते हैं, हम डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। कोई भी ब्रांड जो अमेज़न पे अवेलेबल होगा, हम उसकी प्रोडक्ट को पहले फाइंड करते हैं, फिर उसको सोर्स करते हैं, और फिर उस लिस्टिंग जो हमारी अवेलेबल लिस्टिंग होती है, वो बेसिकली रैंक लिस्टिंग होती है, जो रैंक हुई है बेसिकली, उस पर रिव्यूज भी होगी, उस पर रेटिंग भी होगी, हम फिर उसके साथ मीटू कर लेते हैं। तो मीटू करके हम उस प्रोडक्ट के साथ उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन पीएल में हमें अपनी लिस्टिंग खुद क्रिएट करनी पड़ती है, हमें उस पर PPC खुद रन करनी पड़ती है, हमें उससे पेज 1-2 पे लाना पड़ता है खुद रैंक करके, हम किसी और के साथ नहीं चिपक सकते, हम किसी और को मीटू नहीं करते, और ना ही हम अगर पीएल की बात करें तो हम उसमें किसी और को मीटू अपनी लिस्टिंग के साथ भी नहीं करने देते। लेकिन होलसेल में हम किसी की लिस्टिंग के साथ मीटू करके उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है जी हमारे पास, अच्छा बेसिकली अब जहाँ तक हमारे जो हमने कुछ एब्रीवेशन कॉमन अमेज़न एब्रीवेशन हमने डिस्कस की है, इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे पूछ सकते हैं मुझसे, कोई पॉइंट ऐसा जो मिस हो गया हो आपसे, या कोई समझ ना आया हो तो मुझे आप बता दे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा मुझे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि SKU और UPC, ये दोनों इनमें क्या डिफरेंस है मेरे लिए, दोनों मतलब हम प्रोडक्ट का नंबर असाइन करते हैं, ये सेम चीज है या डिफरेंट है? मैं बताता हूँ आपको जी, जो SKU होता है वो हम खुद असाइन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए, अपने स्टॉक में रखने के लिए, कि मैं कहता हूँ कि मैंने इस प्रोडक्ट को जब कॉल करना है तो मैंने इसको स्पेसिफिक एक SKU साइन कर दिया है। लेकिन जो UPC होता है वो बेसिकली हम नहीं असाइन, जब आप ब्रांड के लिए प्रोडक्ट लेते हैं तो वहाँ पे आपको उसके ऊपर UPC लगा हुआ होता है, पहले से कुछ डिजिट का कोड लगा हुआ जो ब्रांड ने खुद लगाया होता हुआ होता है अपने लिए,
तो उसको हम यूपीसी कहते हैं, और जो एसकेयू होता है वो हम खुद लगाते हैं प्रोडक्ट का। एसकेयू बेसिकली हम खुद रखते हैं यानी कि, और जो यूपीसी होता है वो बेसिकली ब्रांड ने खुद ही लगाया होता है अपने प्रोडक्ट। कोई भी आप प्रोडक्ट देखेंगे जो भी अवेलेबल होगी आप अपनी मार्केट में देख लेते हैं, वहाँ पे जो है वो आपको बार कोड्स के नीचे लाइंस होती है, जो बार कोड लाइंस होती है उसके नीचे नंबर्स लिखे होते हैं, 12 डिजिट्स का वो कोड होता है, उसे हम यूपीसी कहते हैं। वो बेसिकली हम खुद नहीं लगाते, वो ब्रांड ने खुद ही लगाया हुआ होता है, लेकिन जो एसकेयू है उसको हम खुद असाइन करते हैं अपने अपने लिए कि मैं इस प्रोडक्ट को इस एसकेयू से कॉल करना चाहता हूँ। ओके थैंक यू। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड्स को। बेसिकली कोई भी हम अमेज़न का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, होलसेल का काम हो या पीएल का काम हो, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमारे लिए वो है प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट अच्छी होगी तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं अपने काम को, अगर नहीं अच्छी होगी तो फिर हम उस काम में कंटिन्यूसली हम सेलिंग नहीं कर सकते। प्रोडक्ट जो है वो हम फाइंड करते हैं, जो भी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम फाइंड कर रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है वो थ्रू आउट द ईयर सेल होने वाली हो। अगर थ्रू आउट द ईयर सेल होने वाली नहीं है, अगर हम कहते हैं कि हम जो प्रोडक्ट है वो कोई ट्रेंडी प्रोडक्ट्स या फिर कोई सीजनल प्रोडक्ट्स करना चाहते हैं, तो वो अगर आप वो कर भी लेते हैं तो वो फिर सिर्फ उस सीजन में या उस ट्रेंड में ही सेल होती है, उसके बाद आपको आप उसे सेल नहीं कर सकते। तो बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट हम तो यही चाहेंगे ना कि हमारे जो भी प्रोडक्ट हम फाइंड करें, हमने मेहनत की है प्रोडक्ट हंटिंग में मेहनत की है, उसके बाद हमने सोर्सिंग में मेहनत की है, तो मैं तो चाहूंगा कि भाई मेरे जो प्रोडक्ट है वो तो थ्रू आउट द ईयर सेल हो, ताकि मुझे बार बार प्रोडक्ट्स ना फाइंड करनी पड़े। मैंने अगर एक प्रोडक्ट फाइंड कर लिया तो फिर मैं किसी और प्रोडक्ट की तरफ मूव हो जाऊँ, ताकि मेरे अकाउंट में जो एक प्रोडक्ट मैंने फाइंड किया वो भी लगी रहे और साथ ही कोई ना कोई दूसरी प्रोडक्ट भी उसमें ऐड हो जाए। ये तो नहीं है कि मैंने एक प्रोडक्ट फाइंड की है सीजनल, अब वो सीजन में सेल हो गई है लेकिन अब वो सेल नहीं हो रही, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं दूसरी प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए चला जाऊंगा, और जो पहली प्रोडक्ट मैंने फाइंड की है उसका मुझे कुछ फायदा ही नहीं हुआ, वो तो अब मेरे लिए बेकार हो गई है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो हम फाइंड करते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम सीजनल और ट्रेंडी प्रोडक्ट्स में ना जाए। अगर आप जाते हैं तो आप सिर्फ उस सीजन में उसे सेल कर सकेंगे, उसके बाद आप उसे सेल नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रोडक्ट जो भी आप फाइंड कीजिएगा वो हम देखेंगे कि ट्रेंडी प्रोडक्ट ना हो, वो जो है वो थ्रू आउट द ईयर सेल होने वाली प्रोडक्ट हो। तो कुछ मेथड्स हम डिस्कस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, कुछ मेथड हम डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते थे हम प्रोडक्ट किससे हंट कर सकते हैं, बाई हीलियम 10। हीलियम 10 का उसामा मुझे बता रहे थे, उन्होंने आप कुछ आइडिया दिया। हीलियम 10 जो टूल है हम बेसिकली यूज करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, इससे हम प्रोडक्ट का एनालिसिस भी करते हैं और प्रोडक्ट को हंट भी करते हैं। एंड नंबर टू पे आता है जी हमारे पास कीपा। कीपा भी एक बेसिकली टूल है जो हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज करते हैं, इसको प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए भी हम यूज करते हैं। तो बेसिकली दो मेन टूल हम जो यूज करेंगे, एक हीलियम 10 है और एक कीपा है, इन दोनों को हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज भी करेंगे और प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए यूज भी करेंगे। दोनों जो टूल है दोनों की क्वालिटीज डिफरेंट है। कुछ जो डाटा है हमें हीलियम 10 से मिलता है प्रोडक्ट के बारे में, कुछ डाटा जो हमें है वो कीपा से मिलता है। तो दोनों टूल्स ही बेसिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही हम जो वन बाय वन है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो तीसरा मेथड आता है वो मैनुअल हंटिंग का। मैनुअल हंटिंग होता है कि आपने अमेज़न को ओपन किया, amazon.com को ओपन करके आपने जो उसका सर्च बार आ रहा होता है उसमें आप कीवर्ड्स कुछ लिखते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं शूज को सर्च करता हूँ, तो मैं वहां पे शूज लिख लेता हूँ और फिर मैं देखता हूँ शूज की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स सेल हो रही है अमेज़न पे। तो इसे हम कहते हैं मैनुअल हंटिंग, खुद से मैनुअली आपने हंट करना है। कुछ कीवर्ड्स आप देखे कि मेरे पास मोबाइल अवेलेबल है और शूज अवेलेबल है या कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स और भी जो आपके पास अवेलेबल है, आप उन्हें सर्च करें। उन प्रोडक्ट को सर्च करते हुए कोई ना कोई अच्छी प्रोडक्ट जो है वो आप इजीली सर्च कर सकते हैं, इसे कहते हैं मैनुअल हंटिंग। उसके बाद आता है मेथड जो हम डिस्कस करेंगे, वो है बेस्ट सेलर मेथड। बेस्ट सेलर मेथड ये होता है कि जो प्रोडक्ट जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है उसके थ्रू हम कैसे प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आता है जी सेलर स्पाइंग। सेलर स्पाइंग एक मेथड है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, हम उसे भी डिस्कस करेंगे वो क्या होता है और हम किस तरह उससे प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। एंड द थ्रू लास्ट वन इज थ्रू ब्रांड नेम्स, कि कोई भी लेट्स सपोज कि आपके पास कोई ब्रांड आया, आप कोई ब्रांड आपके माइंड में है तो आप उस ब्रांड को सर्च करके भी प्रोडक्ट्स को जो है वो हंट कर सकते हैं इजीली। तो बेसिकली ये कुछ मेथड्स है जो हम डिस्कस करेंगे
प्रोडक्ट हंटिंग के लिए वन बाय वन हम करेंगे। सबसे पहले हम हेलियम से स्टार्ट करेंगे, फिर हम कीपा पे आ जाएंगे। इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता सारे मेथड जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। और आप मुझे बताइएगा, आपके पास हेलियम और कीपा की एक्सेस आ गई? जी आ गई। चलो ठीक हो गया, फिर हम इसको साथ सर्व, क्योंकि मैं अगर कोई काम आपको करवाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आप वो खुद भी साथ करें। क्लास के दौरान नहीं करेंगे आप, लेकिन आप क्लास के बाद करें, ताकि मुझे आपको कोई क्वेश्चन हो उस चीज में, जो कुछ क्लैरिफिकेशन आपको नहीं हो रही तो आप वो साथ साथ डिस्कस कर लीजिएगा, ताकि कोई मिस ना हो जाए चीज हमसे। अच्छा, उसके बाद अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी, हम क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट तो फाइंड करनी है, हमने तो पाम प्रोडक्ट्स पे करना ही करना है, हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो हमारा कुछ क्राइटेरिया होगा प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। हम किस क्राइटेरिया की प्रोडक्ट जो है वो हंट करेंगे, क्या देखते हुए हम प्रोडक्ट को देखते हैं कि इस क्राइटेरिया की प्रोडक्ट जो है वो मेरे लिए सूटेबल होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ जी, वो है जी स्टार रेटिंग। जो आप कोई भी प्रोडक्ट है वो देखते हैं उसकी स्टार रेटिंग। लेट्स सपोज कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है और ये यहाँ पे आपको इसकी स्टार रेटिंग शो हो रही है। जैसे आप इसके ऊपर कर्सर लेके आते हैं तो ये आपको बता देता है कि जी इस प्रोडक्ट की जो है 4.7 आउट ऑफ 5 स्टार्स रेटिंग है, यानी कि इसको जो स्टार रेटिंग है वो इसको एवरेज अगर निकाल लेता है तो वो आपको बताता है कि 4.7 इज द स्टार रेटिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट जो हम हंट करते हैं उसकी जो मिनिमम स्टार रेटिंग है वो 4 होनी चाहिए। लेट्स सपोज जैसे कि मैंने आपको इसका दिखाया कि इसकी जो रेटिंग है वो 4.7 है, इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। पहला क्राइटेरिया हमारा इस प्रोडक्ट का फुलफिल हो रहा है कि हमने कहा जी स्टार रेटिंग जो है वो 4.4 से ज़्यादा होनी चाहिए, या 4 मिनिमम 4 और इससे ज़्यादा जितनी मर्जी हो सकती है। इससे कम वाली प्रोडक्ट्स जिसकी स्टार रेटिंग इससे कम होगी हम उन प्रोडक्ट्स में नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट वन आता है जी के रिव्यू रेटिंग मोर देन 50। रिव्यू रेटिंग हम किसे कहते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट है इसके सामने आपको यहाँ पे ये रेटिंग शो हो रही है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो रेटिंग शो हो रही है इसे आप कहते हैं जी रिव्यू रेटिंग। रिव्यू रेटिंग इसकी इस टाइम जो है 1891 रेटिंग है इस प्रोडक्ट की। तो हम जो भी प्रोडक्ट को सर्च करने जा रहे हैं, या हम प्रोडक्ट को हंट करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट को फाइंड करने जा रहे हैं, उसके लिए ये भी है कि उसकी जो रिव्यूज रेटिंग है वो मोर देन 50 होनी चाहिए। मिनिमम जो है 50 रिव्यूज उस प्रोडक्ट पे होने चाहिए, वो आपको यहाँ से शो हो जाता है कि यहाँ से आपको पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट का जो है इसके रिव्यूज कितने हैं, यहाँ से आपको उसकी स्टार रेटिंग का आइडिया हो जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज Amazon नॉट इन्वॉल्व। Amazon नॉट इन्वॉल्व का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम सेल करने जा रहे हैं या हंट करने जा रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उस प्रोडक्ट में Amazon इन्वॉल्व ना हो। इसका मतलब है कि Amazon जो है उस प्रोडक्ट को ना सेल कर रहा हो। अगर आप देखते हैं, मैं लेट्स सपोज आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं, अगर मेरे पास कोई और प्रोडक्ट ओपन हुई हो तो इसको मैं देखता हूं एक मिनट बस। ओके, दिस इज, अब मैं देखता हूं कि ये जो प्रोडक्ट है ये सेल हो रही है जी Amazon पे, और इसको मैं देखता हूँ कि इस प्रोडक्ट में खुद Amazon इसको सेल ना कर रहा हो। वो आपको कैसे आइडिया होगा वो आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट, जब हम कीपा पे आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा वो आप किस तरह चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट में Amazon इन्वॉल्व है या नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे उसके लिए हम जरूरी है कि उसको Amazon खुद ना बेच रहा हो। Amazon पे सेल तो हो रही हो लेकिन Amazon खुद उसे बेच ना रहा हो। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिसको Amazon जो है वो खुद भी सेल करता है। अगर Amazon उस प्रोडक्ट को खुद सेल कर रहा होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये होती है कि हम उस प्रोडक्ट को सेल तो करेंगे, हम उसको मेटू तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें सेल्स नहीं मिलेगी। वो सेल्स इसलिए नहीं मिलेगी कि वो जो प्रोडक्ट सेल हो रही है वो Amazon खुद सेल कर रहा होगा, और जो Amazon की जो प्राइस होती है उसे कम्पीट करना मुश्किल होता है। Amazon जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है वो कम से कम प्राइस पे सेल करता है, क्योंकि Amazon ने ना तो अपनी FBA फीस चार्ज करनी है, ना तो उसने शिपिंग फीस चार्ज करनी है कुछ किसी से। तो इसलिए जो भी प्रोडक्ट है उसको हमने ये जरूर देखना होता है कि उसमें जो है जी Amazon उसमें खुद इन्वॉल्व ना हो। तो बेसिकली ये क्राइटेरिया आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, साथ साथ लिख ले, ये इसको देखते हुए ही हम प्रोडक्ट को हंट करेंगे। अगर इसमें से एक भी मैच ना हो रहा
होगा तो हम उसको जो है वो अपने लिस्ट से निकाल देंगे, उसको हम नहीं रखेंगे अपने पास। उसके बाद आते हैं नो ब्रांड स्लाइड्स मिलेंगी इसके में बाद में। जी जी स्लाइड शेयर करेंगे आप लेक्चर के बाद? जी जी मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके अब आगे आता है जी नो ब्रांड डोमिनेंसी। कोई भी प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज के मैं इसकी ही एग्जांपल ले लेता हूं जी, इसका ब्रांड है जी ये जो बेसिकली ये जो आपको स्टोर का नेम शो हो रहा है इसका मतलब है जी इसका ब्रांड जी बार कीपर फ्रेंड्स। आपको यहां से भी इसके ब्रांड का नेम शो हो रहा है, जैसे यहां पे लिखा होगा जी बार कीपर फ्रेंड्स फ्रेंड, तो इसका जो ब्रांड है वो है बार कीपर फ्रेंड्स। और हम मेक श्योर करेंगे जो भी प्रोडक्ट हम हंट कर रहे हैं उसमें खुद ब्रांड इन्वॉल्व ना हो, यानी कि ब्रांड खुद उस प्रोडक्ट को ना सेल कर रहा हो। उसकी भी यही रीजन मैं आपको बता दूं, उसकी रीजन क्या है कि हम क्यों नहीं उसको देखेंगे। उसकी रीजन ये है कि अगर ब्रांड उस प्रोडक्ट में खुद इन्वॉल्व हो जाएगा तो ब्रांड की जो प्राइसेस है आप उसको भी कंपीट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि मैं ऐसे प्रोडक्ट में जा रहा हूँ जिसमें ब्रांड इन्वॉल्व है, तो मैं अगर मैं ब्रांड से डायरेक्टली भी उस प्रोडक्ट को सोर्स कर लेता हूँ तो ब्रांड जो है वो उस प्राइस पे सेल कर रहा होगा उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे, जिस प्राइस पे वो मुझे सोर्स करने देगा, यानी कि मुझे जिस प्राइस पे वो देगा उसी प्राइस पे वो अमेजोन पे सेल कर रहा होगा। लेकिन मैं क्या कर सकता, मैं इसलिए नहीं जा सकता उस प्रोडक्ट में, तो मैं उसे अगर उस प्राइस पे उससे ले लेता हूँ तो मैंने तो FBA फीस भी देनी है अमेजोन को, उसके बाद मैंने उस पर शिपिंग भी देनी है, मैंने FNSQs के चार्जेस भी देने हैं, तो मुझे तो ये जो खर्चे मुझे निकालने पड़ेंगे ना अपने, तो अगर मैं ये अपने एक्सपेंस ऐड कर लेता हूँ उसमें तो फिर मुझे उस प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं बचेगा, मैं उस प्रोडक्ट में लॉस में जा सकता हूँ। तो ब्रांड जो होगा, जिस प्रोडक्ट में ब्रांड होगा उसको हम नहीं सेल करेंगे, ब्रांड की डोमिनेंसी जिस भी प्रोडक्ट में आ जाएगी हम उस प्रोडक्ट को सेल ही नहीं करेंगे। उसके बाद आता है जी FBM नॉट डोमिनेंट। आपको FBA और FBM सेलर्स में कुछ डिफरेंस का आइडिया है, आप पता चल सकते हैं आपको कि उसामा ने आपको बताया होगा, मुझे आपको क्लियर कीजिएगा प्लीज। जी जी उसामा ने बताया हुआ है। जी जी आपको FBA और FBM सेलर्स का पता चल गया, ठीक है। हम ये देखेंगे कि जो भी प्रोडक्ट में हम जाना चाह रहे हैं उसमें FBM सेलर्स ना हो, डोमिनेट ना हो, FBA सेलर्स हो सकते हैं प्रोडक्ट्स में लेकिन डोमिनेट ना हो, बहुत ज्यादा FBA सेलर्स उस प्रोडक्ट में ना हो। ये ना हो कि हम जिस प्रोडक्ट को हंट कर रहे हैं उसमें सिर्फ FBA सेलर्स ही सेल कर रहे हो, अगर FBA सेलर्स ही उस प्रोडक्ट में सेल कर रहे हो तो फिर हमें ये आइडिया नहीं होगा कि अगर एज अ FBA सेलर मैं उस प्रोडक्ट में आता हूँ तो मुझे फिर क्या मिलेगा। तो बेसिकली हम उस प्रोडक्ट में भी नहीं जाएंगे जिसमें FBA की डोमिनेंसी होगी या FBM जो सॉरी FBA कह रहा हूँ FBM की डोमिनेंसी होगी जिसमें FBM सेलर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आता है जी हमारे पास PSR। PSR जो मैक्सिमम वो 10K to 15K यानी कि 10,000 से 15,000 तक का PSR, अगर मैं देखता हूँ कोई भी प्रोडक्ट को मैं इवेल्यूएट करता हूँ या मैं हंट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट का BSR 10K to 15K मैक्सिमम चला जाए, इससे ज़्यादा ना जाए। कुछ लोग हैं वो करते हैं इससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट पे वर्क कर, वो फिर कर सकते हैं इससे ज़्यादा प्रोडक्ट पे वर्क भी, लेकिन फिर वो यही होता है कि अगर आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट का सेल्स रैंक होगा उतनी ही उसकी जो वो सेल्स है वो कम हो जाएगी। सेल्स रैंक और सेल्स जो है आपस में इनका ये रिलेशन इनवर्स रिलेशन है दोनों का। अगर किसी प्रोडक्ट का सेल्स रैंक बहुत अच्छा है तो इसका मतलब उसकी सेल्स बहुत अच्छी है, अगर उसका सेल्स रैंक बहुत बुरा है तो उसकी सेल्स बहुत बुरी है। यानी कि किसी का सेल्स रैंक, लेट्स मैं आपको एग्जांपल कैसे देता हूँ कि एक प्रोडक्ट मेरे पास है उसका सेल्स रैंक 1 है, इसका मतलब है कि उसका सेल्स रैंक बहुत कम है, यानी कि 1 है, बहुत कम सेल्स रैंक है तो उसकी सेल्स बहुत अच्छी होगी। कम सेल्स रैंक वाली प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी होगी और जिस प्रोडक्ट का लेट्स सपोज सेल्स रैंक 50,000 है तो उसकी सेल्स उतनी ही कम होगी, जितना सेल्स रैंक ज्यादा हो जाएगा उस प्रोडक्ट की सेल उतनी ही कम होगी, और जिसका जितना सेल्स रैंक कम होगा उस प्रोडक्ट की उतनी ही अच्छी सेल होगी, उसकी ज्यादा सेल्स हो रही होगी, क्योंकि बेसिकली उस कैटेगरी में उसको अच्छा सेल्स रैंक तभी मिलेगा ना जब उसकी सेल्स अच्छी होगी, क्योंकि कम सेल्स रैंक उसी को मिलेगा जिसकी सेल्स ज्यादा होगी। लेट्स सपोज नंबर 1 सेल्स रैंक वाली प्रोडक्ट है उसकी सेल्स बहुत ज्यादा अच्छी है, यानी कि उसका सेल्स रैंक बहुत कम है, 1 पे है और उसकी सेल्स बहुत अच्छी है। इसी प्रोडक्ट की सेल्स बहुत बुरी होगी तो उसका सेल्स रैंक भी ज्यादा होगा, यानी कि उसका सेल्स रैंक ज्यादा हो जाएगा तो सेल्स कम हो जाएगी। तो इस तरह मैं कोई भी प्रोडक्ट में जाता हूँ तो मैं रिकमेंड यही करूँगा आपको भी
कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट हंट करते हैं तो उसमें जो उसका PSR आप चेक करें, PSR जो मैक्सिमम 10K to 15K आप जरूर देखें, उससे ज्यादा में वर्क कर 20K तक भी जा सकते हैं, लेकिन रिकमेंड यही होता है कि आप 10K to 15K में वर्क करें। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी BSR कॉन्स्टेंट। BSR कॉन्स्टेंट का मतलब ये है कि जी कोई भी प्रोडक्ट जिसमें आप जाना चाहेंगे उसका जो BSR है वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। कॉन्स्टेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि एक प्रोडक्ट है उसका BSR जो है वो पिछले दिनों में उसका लेट्स सपोज वो 10 उसका BSR था, और फिर आज मैं देख रहा हूँ पिछले दो दिन में उसका 10 BSR था, और आज मैं देख रहा हूँ उसका BSR एकदम से 50,000 तक चला गया। तो इसका मतलब उसका BSR कॉन्स्टेंट नहीं है, उसका BSR में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। अगर एक दिन में BSR कम था तो दूसरे दिन में BSR बहुत ज्यादा चला गया। तो कोई भी प्रोडक्ट जो हम देखेंगे उसका क्राइटेरिया यही होगा कि हम उसका जो BSR है वो चेक करेंगे, 10 to 15 के तक मैक्सिमम चला जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका जो BSR है वो कॉन्स्टेंट भी हो। ये ना हो कि एक दिन में उसका BSR 50,000 तक गया हुआ है और नेक्स्ट डे उसका BSR जो 1,000 तक आया हुआ है। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हो ही सकता है, अगर एक दिन में इसका 1,000 है तो दूसरे दिन में 2,000 है, ओके कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में उसका BSR जो 1,000 है और फिर अगले दिनों में आप चेक करते हैं तो उसका BSR वो 50,000 तक चला गया। तो ऐसी प्रोडक्ट में भी हम नहीं जाएंगे। इसका ये मतलब होता है कि BSR ज्यादा होने का मकसद ये होता है कि उस प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो कम है, कम हो गई है उसकी सेल्स। अगर सेल्स कम हो जाएगी तो BSR जो उसका वो शूट कर जाएगा। तो कॉन्स्टेंट BSR वाली प्रोडक्ट को हम प्रेफर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी प्रोडक्ट नॉट सीजनल। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स में क्यों नहीं जाते जो सीजनल प्रोडक्ट्स है। लेट्स सपोज कि आप क्रिसमस ट्री की बात करते हैं, क्रिसमस ट्री जो है वो बेसिकली दिसंबर में ही, जो क्रिसमस के पास वाले डेज है नवंबर दिसंबर में वो सेल होगा, लेकिन वो कोई भी क्रिसमस ट्री अब फेब में या मार्च में क्रिसमस ट्री नहीं खरीदेगा क्योंकि उसकी तब जरूरत ही नहीं है किसी को। क्रिसमस ट्री जो है वो तो क्रिसमस के वक्त में ही खरीदा जाएगा ना, तो इसलिए हम ऐसे प्रोडक्ट्स जो सीजनल प्रोडक्ट्स है वो सीजन वाले प्रोडक्ट्स है उनमें भी नहीं जाएंगे। वो हम आइडिया लगा लेते हैं कि आपको तो एक तो नेम से भी आइडिया हो जाता है कि जैसे क्रिसमस ट्री की मैं बात कर रहा हूँ तो वो क्रिसमस के टाइम पीरियड में ही सेल हो रहा होगा, तो आप तो उसे कभी भी सोर्स नहीं करेंगे कि मैं उसे फेब में लगा दूँ या फिर मैं उसको मार्च में आके उसको लगा देता हूँ। नहीं, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। प्रोडक्ट जो है वो सीजनल नहीं होनी चाहिए हमारे लिए, और प्रोडक्ट नॉट ट्रेंडी, प्रोडक्ट ट्रेंडी भी नहीं होनी चाहिए। एकदम से प्रोडक्ट ट्रेंडी आप इस तरह पता लगा सकते हैं कि इस तरह आप देखिए कि एकदम से प्रोडक्ट सेल अच्छी हो रही थी लेकिन एकदम से उसकी जो सेल्स है वो डाउन हो गई है, अब वो सेल ही नहीं हो रही प्रोडक्ट। आप ये आइडिया लगा सकते हैं जो प्रोडक्ट है ये ट्रेंडी प्रोडक्ट है, ये उस ट्रेंड में तो सेल हो गई है लेकिन अब उसके बाद में सेल हो रही, तो ट्रेंडी प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे, सीजनल प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे। और जो वेरिएशन होती है प्रोडक्ट की वो मैक्सिमम, जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनकी वेरिएशन भी होती है, तो मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट में जाए तो उसकी वेरिएशन जो है वो 4 to 5 वेरिएशन हो तो हम उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट है जिसमें हम जाना चाह रहे हैं उसकी जो प्राइस है वो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। प्राइस कॉन्स्टेंट किस तरह हो सकती है, एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस आज अगर आप एक वीक पहले चेक करते हैं, एक वीक से उसकी प्राइस है वो मैं सपोज कर लेता हूँ वो $10 या £10 उसकी प्राइस आ रही है कॉन्स्टेंटली। मैं पिछले एक वीक से देख रहा हूँ कि उसकी जो प्राइस है वो £10 है, और एकदम से आज मैं देखता हूँ उसकी जो प्राइस है वो £5 तक चली जाती है, तो इसका मतलब उसकी जो प्राइस है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, उसमें आपको लॉस हो सकता है। लॉस कैसे हो सकता है, लेट्स सपोज जब उस प्रोडक्ट की प्राइस थी £10 तो आपने उसको £10 के हिसाब से उससे आपने सोर्सिंग की है, उसकी आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया कि हाँ यार £10 के अगर मैं सेल करता हूँ तो मुझे इसमें से £1 बच जाता है। आपने उस टाइम में से देखा कि मैंने इसमें देखा कि प्राइस देखा कि £10 थी, मैंने इसे सोर्स किया £10 पे और मुझे £1 बच रहा है, और अगर एक हफ्ते बाद उस प्रोडक्ट की प्राइस £5 पे चली जाती है तो फिर आपका जो है उस प्रोडक्ट में आपको लॉस होगा, आप उसे सेल ही नहीं कर पाएंगे ना 5 में। आपने तो उसे सोर्स किया होगा 10 में तो आप उसे 5 में कैसे सेल कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये जरूर देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है वो भी कॉन्स्टेंट होने, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ सकता है प्लस माइनस का, थोड़ा बहुत प्लस माइनस 2-3 का आ सकता है, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए कि आप जो है उस प्रोडक्ट में बाद में लॉस में ही चले जाए। तो प्राइस कॉन्स्टेंट बहुत जरूरी है, इसको भी हम जरूर चेक करेंगे।
उसके बाद आते हैं जी मिनिमम 3 FBA सेलर्स। FBA सेलर्स जो हुआ है, कोई भी प्रोडक्ट है हम उसमें तभी जाएंगे जब उसमें हमें मिनिमम 3 FBA सेलर्स प्रोडक्ट में मिलेंगे। उसका FBA मिनिमम 3 FBA सेलर्स क्यों होने चाहिए, क्वेश्चन ये क्यों होने चाहिए, यहाँ पे मिनिमम 3 ही हम क्यों कह रहे हैं, हम 1 क्यों नहीं कह रहे, 2 क्यों नहीं कह रहे, या 5 क्यों नहीं कह रहे, या 10 क्यों नहीं कह रहे, हम मिनिमम 3 क्यों कह रहे हैं। उसका ये आंसर है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट में जाते हैं तो हम देखते हैं जी इसमें अगर 3 FBA सेलर्स है तो इनमें बाय बॉक्स शेयर हो रहा है नहीं, और बाय बॉक्स शेयर होने का मतलब ये कि इनको सेल्स मिल रही है या नहीं मिल रही। लेट्स सपोज कि हम किसी ऐसे प्रोडक्ट में जाते हैं जिसमें FBA सेलर्स ही नहीं है, सारे FBM सेलर्स उस प्रोडक्ट में है, और हम उस प्रोडक्ट में एज अ FBA सेलर्स चले जाते हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि भाई FBA सेलर्स को तो बाय बॉक्स ही नहीं शेयर हो रहा, FBA सेलर्स को तो सेल्स ही नहीं मिल रही, तो फिर हम उस प्रोडक्ट में कभी भी सेलिंग नहीं कर सकते। हमने कोई ना कोई आइडिया लेना होता है प्रोडक्ट में जाने से पहले कि भाई अगर इसमें FBA सेलर्स है तो उनको कितने परसेंट सेल मिल रही है, कितने परसेंट बाय बॉक्स उन्हें मिल रहा है, उन्हें सेल मिल भी रही है नहीं मिल रही, तो इसलिए हम आइडिया लगा लेते हैं कि अगर एग्जिस्टिंग सेलर जो है अगर उनको सेल्स मिल रही है तो अगर हम भी इसमें एज ए जाते हैं तो हमें भी इस प्रोडक्ट में सेल्स मिल जाएगी। तो इसलिए अच्छा, एक छोटा सवाल है कि ये आप मिनिमम तो बता रहे हैं एफबीए का, इसमें मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज भी है जी, मैं आपको बता देता हूँ। जी जी बिल्कुल, मिनिमम 3 FBA सेलर्स मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम ये है कि जी हम फिर डिपेंड करती है कि सेल्स पे, फिर अगर लेट्स सपोज के एक प्रोडक्ट में मैक्सिमम 20 सेलर्स है, उसमें आप कहते हैं कि उसमें 2 जो FBM सेलर है और 18 FBA सेलर्स है, फिर हम देखते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट में इतने ज़्यादा FBA सेलर्स आ रहे हैं तो इसकी सेल्स क्या होगी। लेट्स सपोज के एक प्रोडक्ट है उसकी सेल्स है 200 और उसमें 18 FBA सेलर्स हैं, तो फिर हमें उस प्रोडक्ट में जाने का फायदा ही कुछ नहीं होगा। सॉरी, फायदा इसलिए नहीं होगा अगर 200 सेल्स है उसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ 18 पे, तो मुझे ऑलमोस्ट एक महीने में, मैं मंथ की बात कर रहा हूँ, मंथ में अगर 200 सेल एक प्रोडक्ट की हो रही है उसमें 18 सेलर्स है तो मुझे ऑलमोस्ट 12-13 सेल जो है वो महीने में मिलेगी, तो 12-13 सेल्स मैं क्यों करूँगा उस प्रोडक्ट में। मैं तो चाहूंगा कि मेरी प्रोडक्ट की सेल है वो ज्यादा से ज्यादा हो, तो फिर मैं देखूंगा, फिर डिपेंड करता है फिर जिस सेल पे, अगर उस प्रोडक्ट की सेल 1000 में है और उसमें 18 सेलर है तो फिर आप जरूर चाहिए। तो इसलिए आपकी अगर मैक्सिमम सेलर आप देखा है तो वो फिर आपके सेल्स पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 3 FBA सेलर्स होने का मतलब ये होता है कि हमें फिर आइडिया होता है कि जी मैं इस प्रोडक्ट में अगर जा रहा हूँ और जो एग्जिस्टिंग FBA सेलर्स हैं उनको बाय बॉक्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उनको सेल्स मिल रही है या नहीं मिल रही, इसलिए हम ये चेक करते हैं कि FBA सेलर्स होना जो है वो मस्ट है किसी भी प्रोडक्ट में। उसके बाद हम देखते हैं जी जो प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है उसकी वो गेटेड ना हो। आप जब सेलर सेंटर में कोई भी प्रोडक्ट के साथ मीटू करते हैं या उनको आप उसके साथ चिपकना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको देखना पड़ता है कि जी आप उस प्रोडक्ट कैटेगरी, उस प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो आपके लिए गेटेड ना हो। कुछ कैटेगरीज जो है हमारे लिए गेटेड होती है और कुछ कैटेगरीज जो हमारे लिए अनगेटेड होती है, जो अनगेटेड होती है उसके लिए हमें कोई मसला नहीं है, हम इजीली उसमें मीटू कर सकते हैं, लेकिन जो गेटेड कैटेगरीज आ जाती है उसमें ये इशू होता है कि आपको उनको अनगेट करवाना पड़ता है। गेटेड कैटेगरी को अनगेट हम करवा सकते हैं, लेकिन वो आप तभी करवाएंगे अगर आपके अकाउंट की कुछ परफॉर्मेंस अच्छी होगी, यानी कि आपने कुछ ना कुछ उस अकाउंट में सेलिंग की होगी। आप एज अ न्यू सेलर अगर जाते हैं और आप कहते हैं जी मैं इस कैटेगरी को मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए ये गेटेड है लेकिन मैं इसे अनगेट करवाना चाह रहा हूँ, तो अमेज़न आपको अलाउ नहीं करता, वो आपकी बेसिकली प्रीवियस हिस्ट्री को चेक करता है कि ये सेलर जो है पहले कितनी सेलिंग कर रहा है, कैसा इसका स्पीच रेटिंग कैसी है, इसका फीडबैक कैसा है, उसको चेक करके वो आपको उस कैटेगरी में अनगेट करता है। तो स्टार्ट की मैं बात करता हूँ, स्टार्ट में आपने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना जो आपके लिए गेटेड होगी। गेटेड प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज है मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ अभी, जैसे मैंने लिखा हुआ है जो कैटेगरीज डेट रिक्वायर अप्रूवल, तो ये कुछ कैटेगरी है जो हमारे लिए, हमें हमारे लिए गेटेड होती है, इसके लिए हमें अप्रूवल देना पड़ता है और उसमें तो हमें अप्रूवल मिलता ही नहीं है। जैसे कि ये, जैसे कि मेरे सामने लिखा हुआ है ज्वेलरी की हो गई है, म्यूजिक की है, बियर एंड वाइन्स की आ गई है, उसके बाद स्ट्रीमिंग मीडिया प्लेयर्स है, सेलिंग बुक्स है एंड वॉचेस, ये कुछ कैटेगरीज है जो हमारे लिए गेटेड होती है। इसके अलावा भी बहुत सी कैटेगरीज हमारे पास है जो गेटेड होती है लेकिन हम उनको इजीली अनगेट करवा सकते हैं,
वो डिपेंड करता है आपकी सेलिंग पे, आपके अकाउंट की हेल्थ पे, कि आपका अकाउंट कितना स्ट्रॉन्ग है। अनगेट करवाने के लिए कुछ हमें स्टेप्स करने होते हैं, उसके लिए ये रिक्वायर होता है कि अमेजोन आपको उस प्रोडक्ट में, अगर आप जा रहे हैं तो वो आपको कहता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट में अनगेटेड है तो आप इसे अनगेट करवाना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें अपने बारे में या प्रोडक्ट के बारे में। वो आपसे क्या डिमांड करता है, वो आपसे डिमांड करेगा कि आपने जब प्रोडक्ट अनगेट करवानी है तो आप मुझे बताए कि आपने ये प्रोडक्ट जो है वो किससे परचेज की है। बेसिकली वो आपसे इनवॉइस मांग रहा होता है, आपसे वो इनवॉइस मांगेगा कि जी मुझे आपने जो इनवॉइस देनी है वो ऑलमोस्ट 180 डेज के राउंड अबाउट इनवॉइस, 180 दिन से ज्यादा पुराने इनवॉइस ना हो। वो आपके 180 दिन से पुराने जो इनवॉइस होगा अमेज़न जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आपसे कहेगा मुझे एक इनवॉइस प्रोवाइड कर दो, कैटेगरी को अनगेट करवाने के लिए एक इनवॉइस प्रोवाइड करो, और जो इनवॉइस होगी उसमें मिनिमम जो है वो 10 यूनिट्स आपने परचेज किए हो, यानी कि 10 यूनिट्स की आपको इनवॉइस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी कैटेगरी को अनगेट करवाना चाह रहे हैं और आप उसमें जो है सिर्फ 2 से 3 पीस परचेज करके तो आप अमेजोन को इनवॉइस प्रोवाइड कर देंगे। अमेजोन कहेगा मुझे मिनिमम जो है वो 10 पीसेस की कंबाइंड परचेज दिखाओ। कंबाइंड परचेज आपको दिखानी पड़ेगी, आपको अपनी उसकी इनवॉइस दिखानी पड़ेगी जो कि पुरानी ना हो 180 दिन से। उसके अलावा आपको जो है उस प्रोडक्ट की फिजिकल इमेजेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी अमेजोन को। फिजिकल इमेजेस यानी कि आप कभी भी फोटोशॉप इमेज नहीं लेके, या फिर जो इमेजेस पहले से पड़ी हुई है वो आप नहीं लेंगे। वो आपसे कहेगा कि मुझे जो है लाइव इमेजेस दिखाओ, मुझे अपने कैम से क्लिक करके इमेजेस प्रोवाइड करो। तो इस तरह कुछ स्टेप्स करने के बाद वो आपको उस कैटेगरी में, आप उसको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, फिर उसको वो रिव्यू करता है और फिर आपको वो उस कैटेगरी में अनगेट इजीली कर देता है। लेकिन आपको उसके लिए कुछ ये रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ती है। लेकिन स्टार्ट में अगर आप किसी भी गेटेड कैटेगरी में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि स्टार्ट में आप कभी भी जो है वो गेटेड कैटेगरी में ना जाए, आप उस कैटेगरी में जाए जिसमें आप अनगेट हैं, यानी कि आपके लिए वो गेटेड नहीं है। तो यहाँ तक कोई अगर क्राइटेरिया को में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, क्राइटेरिया फिर आपको क्लियर है। सॉरी, जी है सर, क्लियर है। ओके जी, हेलो, मेरा एक सवाल है। जी जी, गेटेड प्रोडक्ट का समझ नहीं आया मुझे कि ये कैसे पता चलेगा कौन सी प्रोडक्ट गेटेड है कौन सी नहीं, उसमें नजर आता कहीं से आपको? जी मैं आपको बता देता हूँ जी, गेटेड प्रोडक्ट्स जो आपको, एक तो मैंने आपको बता दी कुछ कैटेगरीज जो मैंने आपके सामने लिख दी, आप देख ले कि इस कैटेगरीज में आप नहीं जाएंगे, इस कैटेगरी के जो भी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे वो गेटेड हो गए हमारे लिए, ठीक है। सेकंड, आपको कैसे पता चलेगा, जब हम साथ साथ हंटिंग करेंगे मैं आपको कुछ बताता रहूंगा साथ साथ कि इस कैटेगरी में आप ना जाए इसमें जाए, तो उस तरह मैं आपको बताता रहूंगा कि इस कैटेगरी बेसिकली जो आपकी हेल्थ की कैटेगरी होगी या पेट सप्लाईज की कैटेगरीज होगी वो आपके लिए गेटेड होगी। जिस प्रोडक्ट में आपके ये चांसेस होते हैं कि कोई रिएक्शन बॉडी पे हो सकता है, जैसे कि क्रीम्स होती है, हेल्थ की हमारी कोई प्रोडक्ट्स ऐसी होती है, या पेट सप्लाईज की ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जो पेट के लिए यूज होती है, जो उनकी बॉडी पे कोई इफेक्ट कर सकती है, ऐसी कैटेगरीज में हम गेटेड होते हैं। अमेजोन जो है वो हमसे कहता है कि अगर आप ऐसी कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं तो आप हमें ये चीज मेक श्योर करें कि आप जो प्रोडक्ट है वो फेक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप ओरिजिनल प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं। इसलिए अमेजोन फिर आपसे पहले इनवॉइस लेता है कि आप किस से परचेज कर रहे हैं। तो इस तरह फिर हम उस कैटेगरी में अनगेट होते हैं। तो कुछ कैटेगरीज मैंने आपको बता दी है, उसके अलावा कुछ पेट सप्लाईज की ऐसी कैटेगरीज होगी, या फिर उसके बाद कुछ हेल्थ की ऐसी कैटेगरीज होगी जिसमें आप जो गेटेड होगी, तो वो साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। वैसे भी जब आप सेलर सेंटर की बात करते हैं, अगर आप सेलर सेंटर आपके पास होगा, अगर आप करना चाह रहे हैं अपना, तो सेलर सेंटर में जब आप किसी भी प्रोडक्ट को मेटू करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अमेजोन आपको पहले ही बता देता है कि आप इस प्रोडक्ट की इस कैटेगरी में गेटेड हो या अनगेट हो, तो वहां से आपको आइडिया हो जाता है। तो ये था आज हमारा कुछ इंट्रोडक्शन था कुछ टर्म्स का, और उसके अलावा था जी हमने क्राइटेरिया चेक किया है प्रोडक्ट्स का, और कुछ क्रेडिट कैटेगरीज मैंने आपको बता दी है।
और उसके अलावा मुझे आप ये बताइएगा कि आपने कुछ एक्सटेंशन मैंने आपको ऐड करवानी है, आपने हीलियम और कीपा की एक्सटेंशन ऐड की हुई है अपने पास? हाँ जी है हमारे पास। यानी कि आपने अपने ब्राउजर में हीलियम की एक्सटेंशन और कीपा की एक्सटेंशन ऐड कर ली जी है। अच्छा चले ठीक है, मैं आपको बता देता कीपा हूँ की कुछ, मेरे ख्याल में शायद नहीं हुई कि हीलियम की हुई है। चले मैं आपको बता देता हूँ अभी ना कुछ एक्सटेंशन मैं आपको बताता हूँ, वो आपने ऐड कर लेने ताकि आपको जो रिजल्ट्स है वो क्लियर हो सके कुछ। सबसे पहले तो आपने ये, आपको सामने एक डीएस अमेजोन क्विक व्यू शो हो रहा है, आपने इसको जरूर ऐड करना, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। डीएस अमेजोन क्विक व्यू, क्रोम एक्सटेंशन आपने इसको ऐड कर लेना है अपने पास। जब जैसे आप ये लिखते हैं तो यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन आ जाती है, तो इसका मैं आपको फायदा बता देता हूँ। आपने ये एक्सटेंशन अपने पास ऐड कर लेनी है, मेरे पास ऐड है, तो आपने जो मैं आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि आपको क्लियर हो जाए। अगर ये इसका आप लोगो चेक कर लीजिएगा, ये आप इसके आपके सामने नेम है, यहाँ से आप इसे ऐड कर सकते हैं अपने क्रोम में। तो इसका हमें फायदा क्या होता है जी, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसका हमें फायदा ये होता है डी एस एमेजोन क्विक व्यू का कि जैसे कि मैंने ये एक प्रोडक्ट ओपन किया, अगर आपके पास ये एक्सटेंशन नहीं होगी तो जैसे कि ये मुझे नीचे इसकी डिटेल्स कुछ शो हो रही है कि इसका जो सेल्स, ये बेसिकली सेल्स रैंक मुझे बता रहा है कि सेल्स रैंक जो इस प्रोडक्ट का इन टॉयज एंड गेम्स, यानी कि इस टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी में इसका जो सेल्स रैंक है वो 632 है। ये बेसिकली मुझे कौन बता रहा है, ये डी एस क्विक एमेजोन की एक्सटेंशन मुझे बता रही है। उसके अलावा ये आपको एसिन बता रहा है इस प्रोडक्ट का, कि इस प्रोडक्ट का ये एसिन है, और उसके अलावा ये आपको बता रहा है कि इस प्रोडक्ट को सोल्ड, यहाँ पे लिखा है सोल्ड बाय अमेजोन, तो इस प्रोडक्ट को अमेजोन भी सेल कर रहा है। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि एएमजी जहाँ पे भी लिखा है, इसका मतलब है कि अमेजोन इन्वॉल्व है इस प्रोडक्ट में। और वहाँ यहाँ पे आपको बता रहा है कि इसमें 1+ FBA सेलर के, एक से ज्यादा इसमें FBA सेलर्स भी इन्वॉल्व है। तो डी एस क्विक एमेजोन व्यू जो है वो आपको बेसिकली प्रोडक्ट का डिटेल में, यहाँ पे आपको उस प्रोडक्ट को ओपन करने से पहले पहले ही आपको वो इस चीज़ का आइडिया दे देता है कि इसका सेल्स रैंक क्या है, इसका एसिल क्या है, और उसके अलावा इसमें अमेजोन इन्वॉल्व है या FBA सेलर्स इन्वॉल्व है या नहीं है। तो एक ये एक्सटेंशन आप अपने पास ऐड कर लीजिएगा। एक उसके बाद अगर आपने कीपा की एक्सटेंशन नहीं ऐड की तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, कीपा एक्सटेंशन क्रोम। तो यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे कीपा की, यहाँ से मेरे पास एक्सटेंशन पहले से ऐड है होगी, इसलिए यहाँ पे मेरे मुझे शो नहीं होगा। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये इसका लोगो है और ये कीपा अमेजोन प्राइस ट्रैकर, बेसिकली ये प्राइस ट्रैकर होता है, तो आप यहाँ से कीपा की एक्सटेंशन भी अपने पास ऐड कर ले। एक आपको हीलियम की भी करनी पड़ेगी, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। तो बेसिकली एक्सटेंशन करने का मकसद है कि हमें हर चीज जो है वो बेसिकली अपने मेन पेज पे ही व्यू हो जाए। तो यहाँ से एक ये आपको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये भी ये उसका लोगो है और ये हीलियम 10 की मेरे पास ऐड है पहले से, आप इसको भी अपने ब्राउजर में ऐड कर लीजिएगा। आपने अगर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, लेट्स सपोज के यहाँ से आपने डिफरेंट ब्राउजर, आपने यहाँ पे डिफरेंट पर्सन ऐड हो जाते हैं, यहाँ पे जब ऐड पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट पर्सन ऐड हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपने एक अलग से पर्सन ऐड कर लेना है। उसमें आपने एक तो कीपा की एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है, हेलियम की एक्सटेंशन ऐड कर ले, उसके बाद आप अमेजोन डीएस अमेजोन क्विक व्यू की एक्सटेंशन आप ऐड कर ले, और उसके अलावा एक और एक्सटेंशन मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, वो है जी ओएस एडोन क्रोम एक्सटेंशन। ये भी मेरे पास ऐड होगी, आपको मैं बता देता हूँ, आप इसे भी ऐड कर ले। मैं आपके सामने खोल कर दिखा देता हूँ इसे एक बार। तो जैसे कि ये इसका लोगो है और ये एक ऑनलाइन सेलर एड ऑन, यानी ओएस एड ऑन की एक एक्सटेंशन है, इसे भी आप अपने पास ऐड कर ले। ये 4-5 एक्सटेंशन जो मैंने आपको बताई है ये आप ऐड कर लीजिएगा अपने पास, ताकि जब भी आप प्रोडक्ट हंटिंग करें तो आपको इससे जो भी रिजल्ट हम यहाँ पे जनरेट कर रहे होंगे, आप भी वो रिजल्ट को चेक कर सकें। अगर आपने नहीं ऐड की हुई एक्सटेंशन तो आप काइंडली इसे ऐड कर लीजिएगा। और उसके अलावा मैं आपको दो तीन चीजें और रिकमेंड करना चाहता हूं कि एक मैं अभी ओपन कर लेता हूं उसे।
उसके बाद ये है कि जी आपने जब भी प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपने यहाँ पे अपना जीमेल पे जब आप लॉगिन करें, यहाँ पे आप ड्राइव सॉरी ड्राइव पे जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा होता है जी शीट्स का ऑप्शन। यहाँ पे जब आप शीट्स पे क्लिक करते हैं तो मैं आपको एक शीट बनाने दिखाता हूँ अभी। तो आपने उस तरह की एक शीट अपने पास क्रिएट करके रख लेनी है। उसका ये फायदा होगा कि जब आप प्रोडक्ट्स को हंट करेंगे तो आपके पास अपनी प्रोडक्ट का डाटा जो है वो सेव होता रहे, आप अपना एक डेटाबेस बना सके। यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करके तो मैं आपको बता देता हूँ जी, ये यहाँ पे बस एक ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगी जो कि आप अपने जीमेल से एक्सेस कर रहे हो। तो उसे यहाँ पे आप जहाँ पे ये अनटाइटल्ड आ रहा है यहाँ पे आप उसका टाइटल दे दीजिए प्रोडक्ट हंटिंग। यहाँ पे आप उसको टाइटल दे प्रोडक्ट हंटिंग। और यहाँ पे आप जो है सबसे पहले आप कोई भी प्रोडक्ट जो हंट करते हैं आप उसकी शीट रेडी कीजिएगा। उसका आपको ये फायदा हो जाएगा कि आप जो है वो बेसिकली अपने शीट रेडी करते जाइएगा। सबसे पहले ये होगा कि हम प्रोडक्ट हंटिंग करते जाएंगे, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप अपने शीट रेडी कर लीजिएगा। और आपने कोई भी प्रोडक्ट मुझसे डिस्कस करनी हो क्लास के टाइम में तो आप वो इजीली वहां से एक्सेस करके मुझे एसेंस शेयर कीजिएगा, हम उस प्रोडक्ट को डिस्कस कर लेंगे। उस प्रोडक्ट में अगर कोई इशू हुआ, कोई ऐसी चीज़ जो आप मिस कर रहे हो कि हम वो साथ ही डिस्कस कर लिया करेंगे। और आपने शीट जो है वो ज़रूर क्रिएट करनी है हर प्रोडक्ट की, यानी कि कोई भी जो आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे जी एक एसन लिख लेंगे यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे आप, उसके बाद आप लिखेंगे जी कि इसका ब्रांड कौन सा है। यहाँ पे आप ब्रांड लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे जी कि इसका जो करंट BSR है, करंट BSR इस प्रोडक्ट का जो करंट BSR क्या है और 90 डेज BSR उसका जो 90 डेज का BSR क्या है, ये आपने शीट जरूर क्रिएट करनी है। और उसके बाद 90 डेज BSR के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे जी इसमें टोटल सेलर्स कितने हैं अवेलेबल इस प्रोडक्ट जो आपने फाइनल की है या आप जो प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट ठीक है उसमें टोटल सेलर्स कितने हैं। यहाँ पे आप एक हेडिंग देंगे जी FBA सेलर्स एंड देन FBM सेलर्स, FBA सेलर्स, FBM सेलर्स। और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे जी उसकी मंथली सेल्स। ये शीट तैयार करने का एक तरीका है कि आप उसका एसन लिख ले, उस प्रोडक्ट का नेम, उस प्रोडक्ट का जो ब्रांड है उसका नेम लिख ले, उसका करंट BSR, 90 डेज BSR, उसके टोटल सेलर्स कितने हैं, उसमें FBA सेलर, FBM सेलर्स और उसकी जो मंथली सेल्स कितनी है। और उसके अलावा आप यहाँ पे लिखेंगे जी Amazon एनवायरमेंट, Amazon एनवायरमेंट आप यहाँ पे लिख ले। उसके बाद आप लिखेंगे जी ब्रांड एनवायरमेंट, उस प्रोडक्ट में ब्रांड इन्वॉल्व है या अमेज़न इन्वॉल्व है या नहीं है। तो इस तरह आप एक शीट क्रिएट कर लेंगे, जैसे ही कोई आप प्रोडक्ट फाइनल करते हैं तो आप वो शीट क्रिएट करते जाइएगा। मैंने आपको गूगल शीट का इसलिए बताया कि लेट्स सपोज कि अगर आप चाहते हैं कि आप एज अ टीम वर्क काम कर रहे हैं आप सब, तो आप एक शीट बना ले, उसमें प्रोडक्ट्स ऐड करते जाए जो आपको फाइनलाइज आप करते हैं। तो हम फिर क्या किया करेंगे, उन प्रोडक्ट्स को वन बाय वन डिस्कस भी कर लिया करेंगे कि जी आपने प्रोडक्ट ये फाइंड की है, इसमें ये मसला है, इसको हम ड्रॉप क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या चीज़ हमने मिस की है। तो हम इस तरह वो प्रोडक्ट हंटिंग को अपने को स्ट्रॉन्ग कर लिया करेंगे। तो ये शीट आपने क्रिएट कर लेनी है। अगर आप चाहे तो मेरे साथ ईमेल में शेयर कर दीजिएगा, मैं जब भी फ्री हुआ तो मैं आपके प्रोडक्ट्स को एक बार देख के उसको एवेल्युएट करके अपने कमेंट्स जो है उस प्रोडक्ट के हवाले से वो मैं लिख दिया करूँगा। तो अब हम आते हैं जी अपने टॉपिक पे, वो हमारा है जी आज हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि हीलियम से हम प्रोडक्ट किस तरह हंट करते हैं और क्या क्या हम चीजें या फिल्टर्स कौन कौन से लगा के हंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपने पोर्टल में। आपके पास आई थिंक सबके पास यही पोर्टल होगा। जी बेसिकली जब हम हीलियम पे आते हैं तो हीलियम में लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये हीलियम का डैशबोर्ड शो हो जाता है। और प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम ब्लैक बॉक्स को यूज करते हैं, ब्लैक बॉक्स के अलावा हम इसमें कोई फीचर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज नहीं करेंगे।
हम जाते हैं जी ब्लैक बॉक्स में जाएंगे हम, और आपने एक चीज नोट, सबसे पहले जो मिस्टेक जो न्यूबी मिस्टेक करते हैं या मैं खुद भी मिस्टेक करता रहा हूँ स्टार्ट में, क्या करता था मैं, मुझे ये आइडिया नहीं होता था कि मैंने किस मार्केट में काम करना है। लेट्स सपोज कि मैंने यूएसए में या यूके में काम करना होता था, मुझे मैंने पहले जो है मार्केट प्लेस ही सिलेक्ट नहीं की होती थी। मैंने अगर यूके में काम, जो ऑटो जो आपके मार्केट प्लेस है वो यूएसए ही सिलेक्ट होगी यहाँ पे। तो आपने जिस मार्केट में काम करना है, लेट्स सपोज का यूएस में करना है .com चलेगा, कनाडा के लिए .ca चल जाएगा, तो और यूके के लिए .co .uk चल जाएगा। अगर हम अभी अभी के लिए अभी हम यूएस में ही काम करना चाहते हैं, जहाँ से आप मार्केट प्लेस सबसे पहले जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप फिल्टर्स लगा लेंगे तो आपको वो उसी मार्केट के प्रोडक्ट्स दिखाएगा, और बाद में अगर आप यूके के देख रहे हो तो वो उसमें रिजल्ट्स में डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे यूज करते हैं जी, प्रोडक्ट के टाइप को हम यूज करते हैं। यहाँ पे हम कैटेगरीज में जब आते हैं तो हमें ये बता रहे हैं जी कि आप किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को देखना चाह रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ आइडिया दे देता हूँ कि आप किस कैटेगरीज में ना जाइएगा। स्टार्ट में आप जो है वो अपनी पर्सनल केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में ना जाइएगा, कैमराज एंड फोटोज में ना जाइएगा, सेल फोन एक्सेसरीज में ना जाइए आप, क्लोथिंग में आप ना जाइए। क्लोथिंग में ना जाने का रीजन ये है क्योंकि एक सेल फोन में मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये इशू आता है कि वो कभी ख़राब हो जाती है, कोई मसला आता है कि अगर आपके कस्टमर को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रिसीव हो गई है और उसमें कोई इशू है, तो या तो वो कस्टमर आपसे रिफंड मांग लेगा या फिर आपको उसको प्रोडक्ट को रिप्लेस करके देना पड़ेगा। और स्टार्ट में अभी आप इस सिचुएशन में नहीं होते कि आप रिफंड को बियर कर सकें या फिर आप प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकें, एज अ न्यू आप इसमें ना जाइएगा। क्लोथिंग एंड शूज एंड ज्वेलरी में मैंने आपको बता दिया आप ना जाएंगे, ये हमारे लिए गेटेड तो नहीं होगी, ज्वेलरी गेटेड लेकिन क्लोथिंग वाली हमारे पास गेटेड नहीं होगी। लेकिन उसमें जाने ना जाने के रीजन ये है स्टार्ट में कि क्लोथिंग में डिफरेंट टाइप्स की वेरिएशंस आ रही होती है, आपके साइजेस की वेरिएशंस होती है, तो अगर कोई साइजेस में कोई डिफरेंस आ गया या कस्टमर ने कोई साइज ऑर्डर किया है वो उसके लिए सूटेबल नहीं है तो वो उसके लिए भी आपसे उसको कहेगा या मुझे एक्सचेंज कर दो या फिर वो आपसे रिफंड के लिए डिमांड करता है, तो फिर आप इसलिए स्टार्ट में भी रिफंड आप अफोर्ड नहीं कर सकोगे या फिर आप रिप्लेसमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसमें भी आप ना जाइएगा। और कंप्यूटर एक्सेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ना जाइएगा। और अगर आपको मैं रिकमेंड करूँ कि जो सबसे बेस्ट कैटेगरी है जिसमें आप स्टार्ट में जाए तो वो ग्रोसरीज में आप जाइएगा, और उसके अलावा आप ये इसमें होम एंड किचन में ज़रूर जाए स्टार्ट में के लिए। जो रिकमेंडेड जो कैटेगरीज है वो ग्रोसरीज, होम एंड किचन में आप जाइएगा और किचन एंड डाइनिंग में जाइएगा। मूवीज वगैरह में अभी ना जाए आप, इसमें भी कोई फायदा नहीं है, हमारे लिए गेटेड होगी। ऑफिस प्रोडक्ट में जाइए, पेशियो लॉन एंड गार्डन में जाइएगा, और पेट सरप्राइज में भी आप जा सकते हैं। पेट सरप्राइज की बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी होगी जो आपके लिए गेटेड नहीं होगी, लेकिन कुछ आपके लिए गेटेड भी होगी। तो अगर आप गेटेड कैटेगरीज में जाते हैं तो उसको आपको अनगेट करवाना पड़ता है, तो आप जो है वो उसमें भी ना जाइएगा स्टार्ट में। तो मैं अभी यहाँ पे पेशियो लॉन एंड गार्डन को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं जो मुझे फिल्टर्स लगाने लगा हूँ, तो बेसिकली जो फिल्टर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही फिल्टर्स लगाए। हमने बेसिकली जब भी प्रोडक्ट हंट करनी होती है तो हम बेसिकली नंबर्स के साथ खेलते हैं, खेलने का मकसद है कि हम नंबर्स को चेंज करते हैं। जब तक हम सेम नंबर लगाते जाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो बार बार सेम ही आते जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लगा रहा हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ कि थोड़े बहुत नंबर यही होने चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत आप डिफरेंस जरूर डाले, थोड़ा बहुत प्लस माइनस के साथ आप नंबर्स को ऐड कीजिएगा। जब हम मंथली रेवेन्यू की बात करते हैं, जो मिनिमम मंथली रेवेन्यू, मैं कहता हूँ कि मिनिमम 3000 होना चाहिए। आपको रिकमेंड करता हूँ मिनिमम आप 2500 या 3000 के अराउंड बोर्ड, या इससे ज़्यादा में जा सकते हैं, कम में ना जाइएगा, इससे 2500 तक जाइएगा और इससे ऊपर आप जितने मर्जी में जा सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम है वो आप 3000 लगा लीजिएगा। मैक्सिमम मैं कोई नहीं लगा रहा। और उसके बाद प्राइस की जब बात आती है तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट जो आप हंट करेंगे उसकी जो प्राइस होगी वो मिनिमम £10 या $10 की प्रोडक्ट जो मिनिमम है उसमें ही जाइएगा। उससे कम वाली भी प्रोडक्ट्स आपको मिलेगी लेकिन आप उसमें ना जाइएगा, वो रिकमेंडेड नहीं है। वो इसलिए रिकमेंडेड नहीं है, लेट्स सपोज कि आप अगर £5 की प्रोडक्ट में जाते हैं तो मुझे आप बताइए कि आप उसको कितने में सोर्स करेंगे। अगर कोई £5 की प्रोडक्ट है उसमें है तो आप उसको कुछ सेंट्स कुछ पेनीज में आप उसे जो है वो सोर्स करेंगे, तो आपको जो उस प्रोडक्ट में जो प्रॉफिट है वो भी सिर्फ पेनीज में ही आएगा। तो इसलिए रिकमेंडेड यही है कि आप कोई भी प्रोडक्ट है जिसमें भी जाइएगा वो मिनिमम जो उसकी प्राइस है वो 10 रखे आप, मिनिमम £10 की या $10 की प्राइस में आप जाइएगा,
और उससे ऊपर आप जितनी मर्जी प्राइस लगा सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है कि जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम आप लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप जो है वो £10 या $10 की प्राइस में ही जाइएगा। तो यहाँ पे मैं 10 लगा रहा हूँ और मैक्सिमम यहाँ पे मैं 30 लगा देता हूँ, $30 में लगा रहा हूँ। और हमने यहाँ पे रिव्यू काउंट की बात की है, रिव्यू काउंट मैंने बताया आपको कि मिनिमम जो मैं 50 रिकमेंड करता हूँ 50 तक आप लगाइएगा, मिनिमम मैं यहाँ पे 50 लगा देता हूँ, इससे ऊपर आप लगा सकते हैं, आप यहाँ पे मिनिमम जो है वो 70 भी लगा सकते हैं, लेकिन 50 होने चाहिए। और मैक्सिमम जितने रिव्यूज हो गए हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट के जितने अच्छे रिव्यूज हो गए वो प्रोडक्ट उतनी ही ज़्यादा अच्छी सेल हो रही होगी। और रिव्यू रेटिंग की जब बात आती है तो वो मैंने आपको बताया, बेसिकली रिव्यू रेटिंग का मतलब है जो स्टार रेटिंग है, स्टार रेटिंग जो है वो उसकी जो है वो मिनिमम जो है वो 4 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 4 लगा लेते हैं। साइज टायर में हम अभी छोड़ देते हैं यहाँ पे, इसका हम कुछ नहीं लगाएंगे। और उसके अलावा जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो हम यहाँ पे सेल्स पर ओवर, इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा जो बेसिकली हमारा काम होगा वो हम देखेंगे मंथली सेल्स। मिनिमम कोई भी प्रोडक्ट जिसमें आप जाएगा उसकी मंथली सेल्स 200 to 300 होनी चाहिए। मैं यहाँ पे मिनिमम जो सेल्स है वो लगा लेता हूँ 300, कि मैं किसी जो प्रोडक्ट में हंट करना चाह रहा हूँ उसकी जो मिनिमम सेल्स है वो 300 हो, बेसिकली 250 and 300 के राउंड पोर्ट, इससे का आप कम ना जाइएगा, इससे कम वाली प्रोडक्ट की जो सेल होगी उसमें ना जाइएगा। तो ये नंबर जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे रहिएगा, यानी कि इससे थोड़ा बहुत ऊपर कर ले लेकिन इससे नीचे ना जाइएगा। 250 तक आप चले जाइएगा, जो मंथली रेवेन्यू वो 2500 तक आप चले जाइए, उससे कम में ना जाइएगा। और यहाँ पे जो मैं बेस्ट सेलर रैंक बेसिकली जिसको हम BSR या सेल्स रैंक भी कहते हैं, वो मैं यहाँ पे मिनिमम नहीं लगा रहा, मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी मैं उस प्रोडक्ट में जाऊँगा जिसका जो मैक्सिमम BSR वो 20,000 तक हो। मिनिमम जितना अच्छा होगा मेरे लिए फ़ायदा है, मिनिमम इसलिए नहीं लगा रहा, मिनिमम जितना भी आ जाए मेरे लिए फ़ायदा है, मैक्सिमम मैं यहाँ पे 20,000 लगा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेलर्स की बात करते हैं, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम 3 लगाता हूँ, और आप भी 3 ही लगाइएगा। उसका ये है कि जी उसमें मैं कहता हूँ कि 3, हमने जैसे कि डिस्कस किया है अभी कि 3 FBA सेलर्स उस प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हो। तो हो सकता है कि इस 3 में जो है वो FBM भी आ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे 3 लगा के ट्राई कीजिएगा। जैसे आप फुलफिलमेंट में आते हैं तो फुलफिलमेंट में भी आपको बता रहा है कि बताया जी फुलफिलमेंट कौन सी हो रही हो, अमेजोन फुलफिलमेंट कर रहा हो या FBM कर रहा हो या FBA। तो मैं स्टार्ट में बेसिकली FBA के लिए सर्च कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो हूँ मैं FBA लगा लेता हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स जब आप हंट कर रहे होंगे साथ आप FBM को भी मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो बाय बॉक्स है जो प्रोडक्ट है उसमें FBA और FBM सेलर दोनों होते हैं, लेकिन जो उस टाइम के लिए जब आप सर्च कर रहे हो उस टाइम के लिए जो बाय बॉक्स है वो FBM सेलर के पास हो सकता है। तो आप कभी कभी FBA सेलेक्ट कर लें और कभी कभी आप जो है वो FBA और FBM दोनों को सिलेक्ट कर ले। हम अमेजोन को नहीं सिलेक्ट कर रहे क्योंकि हम तो उस प्रोडक्ट में जाना ही नहीं चाहते जिसमें अमेजोन जो है एज अ फुलफिलमेंट आ रहा हो। और नंबर ऑफ इमेजेस वेरिएशन काउंट में मैक्सिमम मैं 5 लगा लेता हूँ जी, मैक्सिमम जो वेरिएशन काउंट है उस प्रोडक्ट में वो 5 हो। और बाकी हम यहाँ पे छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं लगाएंगे और फिल्टर्स। और यहाँ मैं सर्च में जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मुझे वो कुछ रिजल्ट जो है वो जनरेट करके मुझे बता देगा। तो जैसे ही जाने मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया था तो मुझे उसने 200 प्लस प्रोडक्ट्स जो है उसने मुझे दिखा दिए जो मैंने उसको फिल्टर्स लगा के बताया। मैंने कहा था कि जी जो सेलर्स है वो मैंने उसको कहा था जी मिनिमम जो है वो 3 होने चाहिए। जो उसने मुझे जो प्रोडक्ट दिखाई है उसमें सेलर जो है वो इसमें 6 सेलर शो करवा रहा है, और यहाँ पे आपको जो फुलफिलमेंट शो करवा रहा है वो FBA शो करवा रहा है। जैसे कि मैंने उसको बताया था कि जो प्रोडक्ट है उसमें FBA की फुलफिलमेंट होनी चाहिए। कैटेगरी जो मैंने उसको सिलेक्ट की थी वो मैंने पेशियो लोन एंड गार्डन मैंने सेलेक्ट की थी, उसने आपको यहाँ पे वो कैटेगरी भी बता दी है। और उसकी जो मिनिमम प्राइस है मैंने ऑलमोस्ट मैंने $10 लगाई थी, तो उसने मुझे उससे ऊपर मैंने उसकी 30 लगाई थी, मुझे 30 तक 10 to 30 के राउंड बोर्ड जो भी वो प्रोडक्ट होगी वो मुझे उस कैटेगरी की वो शो करवा रहा है। और यहाँ पे मुझे उसकी जो मंथली सेल्स है वो यहाँ पे शो करवा रहा है। मैंने मिनिमम जो है वो 300 लगाई थी, तो मुझे यहाँ पे वो 337 मंथली सेल्स है जिस प्रोडक्ट की वो यहाँ पे मुझे शो करवा रहा है। और मंथली रेवेन्यू मैंने 3000 लगाया था मिनिमम जो था, और मुझे वो यहाँ पे $9,938 वो इसका रेवेन्यू शो करवा रहा है। और इस प्रोडक्ट का जो BSR है यानी कि जिसे हम बेस्ट सेलर रैंक या सेल्स रैंक कहते हैं,
वो मुझे यहाँ पे वो 10,392 शो करवा रहा है। उसके जो रिव्यूज बेसिकली ऊपर जो लिखा हुआ है उसके रिव्यूज है 476 और नीचे वाले जो उसकी रिव्यूज रेटिंग है जो कि 4.8 है। तो अभी हम इस प्रोडक्ट को एक बार इवेल्यूएट करते देखते हैं इस प्रोडक्ट में क्या है। तो ऐसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट जो हमें अमेजोन के पेज पे ओपन करके दिखा देगा। अब जैसा कि आपके सामने ये प्रोडक्ट ओपन हुई है, आप चेक कीजिए कि सबसे पहले तो इसका जो ब्रांड आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा एक्वाचेक जो इसका ये ब्रांड है। तो जब मैं एक बार आपके सामने वो शीट को फिल करके दिखा दूंगा कि आपने किस तरह शीट को फिल करना है, इवेल्यूएट करने के बाद आपने फिल करना, पहले नहीं करना। लेट सपोज के हमारा जो पहला टारगेट था कि हमने कहा था कोई भी प्रोडक्ट जो हम चेक करेंगे उसकी जो रिव्यूज रेटिंग है जो स्टार रेटिंग है उसके वो 4 मिनिमम होने चाहिए, तो इसकी जो है वो 4.8 है और उसके अलावा जो रिव्यूज काउंट है उसके वो मिनिमम जो है वो 50 होने चाहिए और इसके 477 इसके रिव्यूज। ठीक है जी, हमारे दोनों जो पहली बात है वो दोनों पहले जो पॉइंट्स है वो हमारे क्लियर है इस बात पे कि ठीक है जी ये प्रोडक्ट उस वाले से ओके है। अब हम चेक करते हैं इसके सेलर्स में आते हैं। जब हम सेलर्स में आते हैं तो ये हमें बता रहा है जीके कि इस प्रोडक्ट में जो है ऑलमोस्ट 6 सेलर्स इन्वॉल्व है और ये जो हमें बेसिकली यहाँ पे मुझे स्टॉक शो करवा रहा है, ये मुझे स्टॉक इसलिए शो करवा रहा है कि मेरा इस टाइम कीपा पे मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ वो नीचे एक्सटेंशन शो हो रही होगी, अगर आपने ऐड किया तो आपको भी शो हो जाएगी, नहीं तो वो आप कर लीजिएगा ऐड। वो बता रहे जी बेसिकली ये जो सेलर आपको FBA और FBM में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा है ships from and sold by, अगर यहाँ पे लिखा है ships from fulfilled by Amazon और अगर वही नाम sold by में भी आ रहा है तो इसका मतलब ये FBM कर रहा है सेलर, यानी कि ship भी खुद ही करेगा और sold भी ये खुद ही कर रहा है। बेसिकली ये क्या है जी, ये FBM कर रहा है। नीचे वाला सेलर जो है उसका भी सेम नेम आ रहा है शिप में भी और सोल्ड में भी, तो उसका मतलब ये भी FBM कर रहा सॉरी FBM है या FBA, ये FBM है जहाँ पे नहीं नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो है ओके इस प्रोडक्ट में जो है जी वो शिप्स फ्रॉम में आप जब आप देखते हैं तो वो उसका नाम आ रहा है BW इनकॉर्पोरेटेड और सोल्ड बाय भी हुई है, यानी कि जो शिप भी यही करेगा और सोल्ड भी यही करेगा, बेसिकली ये FBM कर रहा है। अगर आप नीचे वाले की बात करते हैं ये वाले यहाँ पे लिखा है जी ships from का मतलब कि कहाँ से शिप हो रहा है, amazon.com इसका मतलब amazon जो इसको शिप कर रहा है और सोल्ड कौन कर रहा है, फुलफिल्ड बाय amazon तो यानी कि बेसिकली ये FBA है, शिप कर रहा है amazon लेकिन सोल्ड ये वाला सेलर कर रहा है, तो ये बेसिकली FBA है और ये जो ऊपर वाला जो है जो शिप भी खुद ही कर रहा है और सोल्ड भी खुद ही कर रहा है ये बेसिकली FBM सेलर है और ये नीचे वाला जो है ये FBA सेलर है। इस तरह में FBA और FBM सेलर्स का आइडिया होता है। ये बेसिकली इस प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही FBA सेलर है। तो अभी तो जो हमारा क्राइटेरिया मैं कह रहा था कि 3 FBA सेलर तो होने चाहिए किसी भी प्रोडक्ट में जाने के लिए, तो इसमें तो ये हमारा यहाँ पे हम फेल हो जाते हैं हमारी बात वो वाली। ठीक है जी यहाँ पे वो तो ठीक था, उसके रिव्यूज भी ठीक है, उसके रेटिंग भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके इसके हमने कहा था 3 मिनिमम FBA सेलर्स होने चाहिए, यहाँ पे इसका सिर्फ अगर मैं देखता हूँ 6 टोटल सेलर्स है और 6 में से सिर्फ एक FBA सेलर है, तो मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक है जी मैं अब जो क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ। मिनिमम 3 ही क्यों होने चाहिए FBA? उसका हमें उसका ये होता है मिनिमम 3 FBA इसलिए हम कहते हैं कि जब हम चेक करते हैं बेसिकली मैं आपको बता ही देता हूँ अभी, ये बेसिकली अगर आपने कीपा की एक्सटेंशन ऐड की होगी तो आपको यहाँ पे ये शो हो रहा होगा, ये बेसिकली कीपा का ग्राफ शो हो रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन किया हुआ है तो मुझे ये इसका डाटा शो करवा रहा है। तो मैं सिर्फ आपको जस्ट आइडिया देने के लिए कि मैं क्यों देखता हूँ कि जी 3 FBA सेलर्स, मुझे सिर्फ आइडिया देना, बाकी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सबको। अब ये देखें कि ये यहाँ पे शो हो रहा है जी कि बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सेलर ही यहाँ पे शो करवा रहा है, इसका मतलब कि ये सिर्फ एक सेलर है जिसको सिर्फ सेल्स मिल रही है, बाकी किसी को सेल्स नहीं मिल रही इन 30 डेज। यहाँ पे 30 डेज की आपने रेंज सेलेक्ट की हुई है, अगर आप 90 डेज में जाते हैं तो फिर कोई और सेलर भी आपको यहाँ पे शो करवाता है किसी और को भी सेल्स मिल रही थी, लेकिन अगर आप 30 डेज में देखते हैं तो इसमें 30 डेज में सिर्फ इस सेलर को ही सेल्स मिली है। तो बेसिकली जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट्स को तो हम देखेंगे
कि हम क्यों देख रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को जो है कितने सेल्स मिलने चाहिए। सॉरी दो मिनट दीजिए बस मुझे। तो बेसिकली हम देखते इसलिए है कि हम यहाँ से आइडिया लगाते हैं कि जी अगर कोई और एफ बी ए सेलर पहले से ऑलमोस्ट 2 से 3 एफ बी सेलर किसी प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है तो उन 2 या 3 में बाय बॉक्स शेयर हो रहा है नहीं हो रहा, उन 2 या 3 को बाय बॉक्स शेयर इसलिए देखते हैं कि उनको सेल्स मिल रही है या नहीं मिल रही। तो इसलिए हम 3 सेलर्स को काउंट करते हैं। मैक्सिमम तो जा सकते हैं सेलर्स, लेकिन मिनिमम जो है वो 3 सेलर्स को हम काउंट इसलिए करते हैं कि हम चेक कर सकें तो उनको जो है वो बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है या उनको सेल्स मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है जी, अब यहाँ पे जैसे ही हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक और मुझे प्रोडक्ट यहाँ पे शो करवा रहे हैं, उसमें 13 सेलर्स है। बाकी सारी डिटेल मैंने आपको बताई है क्या चीज़ें आपको शो करवाता है। इसको भी ओपन करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि मैं जब इस प्रोडक्ट में आता हूँ तो मैं इस चीज़ का आइडिया लगाता हूँ, ठीक है, इसकी रेटिंग भी ठीक है, रिव्यूज भी ठीक है, लेकिन इसमें अमेज़न इन्वॉल्व है। इस प्रोडक्ट में अमेज़न किस तरह इन्वॉल्व है आपको किस तरह आइडिया होता है, जैसे कि आप ये बाय बॉक्स के नीचे जब आप एड टू कार्ट के ऑप्शन के नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा रहा है जी शिप्स फ्रॉम amazon.com एंड सोल्ड बाई amazon.com, यानी कि इस प्रोडक्ट को अमेज़न खुद ही शिप भी कर रहा है और खुद ही इस प्रोडक्ट को सोल्ड भी कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि ऐसी प्रोडक्ट जिसमें अमेज़न खुद इन्वॉल्व हो उस प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे। वो इसलिए नहीं जाएंगे कि अमेज़न 13.83 में सेल कर रहा है और इसमें और भी सेलर्स इन्वॉल्व है। देखिएगा आपके अमेज़न की जो प्राइस है वो 13.83 में उसने सबसे कम प्राइस में लगा के वो सेलिंग कर रहा है, तो आप इससे कम प्राइस में अगर आपकी सोर्सिंग नहीं हो रही होगी तो फिर आप इसे सेल नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर आप 13.83 में सेल कर रहे हैं और कोई और सेलर भी यहाँ पर 13.83 में सेल कर रहा है, ये देखिएगा, तो आपका जो बाय बॉक्स है वो अमेज़न के पास ही रहेगा। अमेज़न आपको सेल्स नहीं लेने देगा उस प्रोडक्ट में जिस प्रोडक्ट में अमेज़न इन्वॉल्व होगा। हालांकि ये एक एफ बी ए सेलर है जो 13.83 में सेल कर रहा है और ये अमेज़न खुद जो है वो 13.83 में सेल कर रहा है। जैसे आप मोर सी मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा आ रहा है शिप्स फ्रॉम amazon.com एंड सोल्ड बाय amazon.com, तो अमेज़न जो है वो खुद शिप भी कर रहा है सोल्ड भी कर रहा है इस प्रोडक्ट में, तो हम इस प्रोडक्ट में भी नहीं जाएंगे। बाकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कीपा को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। मैं सिर्फ आपको यहाँ से ये आइडिया दे रहा हूँ कि आप जो है वो कीपा से हीलियम से आप किस तरह से प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो 200 उसने आपको प्रोडक्ट शो करवाई है, आपने नंबर 1 पेज पे अगर देख लेना है यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट शो करवा रहा है। अगर आपका ये पेज 1 जो है वो कंप्लीट होता है इवेल्युएट करने के बाद आप देखते हैं कि यार हमें इस कैटेगरी में और कोई प्रोडक्ट अभी नहीं मिली, देन आप मूव कर जाइएगा पेज 2 पे, तो पेज 2 पे आपको मजीद प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे है वो आपको शो करवा देगा। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि हम जो है हीलियम को किस लिए यूज करते हैं। हम हीलियम को ब्लैक बॉक्स जो उसका फीचर है हीलियम में, ब्लैक बॉक्स का जो फीचर है उसको हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर्स लगा के अपने डिजायर्ड कैटेगरी जिस कैटेगरी में हम काम करना चाह रहे हैं, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ, आप जब भी स्टार्ट में हंटिंग कीजिएगा आप प्रैक्टिस के लिए, सबसे पहले आप जो है वो हो ए ग्रोसरी की प्रोडक्ट्स में, ग्रोसरी की कैटेगरीज में जाइएगा, होम एंड किचन में जाइएगा, किचन एंड डाइनिंग में जाइएगा, और उसके अलावा आप जो है लॉन एंड पेशियो में जाइएगा, पेट सरप्राइज में भी चले जाइएगा, वो भी अच्छी कैटेगरी है। तो इसके अलावा भी आप जो दूसरी कैटेगरीज में भी ना जाइएगा। स्टार्ट में आप अगर हंटिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ इन कैटेगरीज में जाइए जो रिकमेंडेड है, ताकि आपको जो है प्रोडक्ट्स कुछ नजर आना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप अगर किसी और मार्केट में जाना चाहते हैं, यहाँ से आप वो सिलेक्ट करके किसी और मार्केट में भी हंटिंग कर सकते हैं। वो आपने जिस मार्केट में वर्क करना है ये आपको पता है कि आप किस मार्केट में काम करना चाह रहे हैं। अगर आप US में करना चाहते हैं तो आप .com को सिलेक्ट कर लीजिएगा, UK में करना चाहते .co.uk को सिलेक्ट कर लीजिएगा, कैनेडा में करना चाहते .ca को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप कॉम्पिटिशन की बात करते हैं मार्केट्स में, तो जो टॉप पे हमारी इस टाइम मार्केट है वो US मार्केट जो है वो हमारी टॉप पे मार्केट है, और उसके बाद जो मार्केट आती है वो आती है जी UK की मार्केट आती है। तो कंपटीशन जिस मार्केट में जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उसमें काम करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ जाता है,
और जिसको जिस जो मार्केट जितनी बड़ी होगी वहां पे काम भी ज्यादा होता है, वहां पे आपको प्रोडक्ट्स भी ज्यादा मिलते हैं, वहां पे आपको सोर्सिंग भी इजीली मिल जाती है, वहां पे आपको ब्रांड्स भी ज्यादा मिल जाते हैं, वहां पे आपको सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर भी ज्यादा मिल जाते हैं। अगर आप यूके की बात करते हैं तो यूके जो है वो यूएस से थोड़ी थोड़ी छोटी मार्केट है, तो उसमें जो है आपको वो चीज़ें भी उस हिसाब से ही मिलेगी। तो यूएस में आपको चीज़ें भी ज़्यादा मिलेगी, आपको वहाँ पे सेलर्स भी ज़्यादा मिलेंगे प्रोडक्ट्स में, आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मिल जाएंगे इजिली, ब्रांड्स जो है वो भी आपको ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे। लेकिन ब्रांड अप्रूवल जो है वो ज़रा टाइम लगता है, ब्रांड अप्रूवल में ब्रांड अप्रूवल मिल जाती है लेकिन उसमें टाइम लगता है। लेकिन अभी जो हमारा मेन फोकस है वो बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग पे है। ब्रांड अप्रूवल वो बेसिकली हम सोर्सिंग में देखते हैं, सोर्सिंग हमारा जो है सेकंड स्टेप है। सबसे पहला जो स्टेप हमारा है वो है प्रोडक्ट हंटिंग करना। जब तक आप अच्छी प्रोडक्ट नहीं हंट करेंगे आप सोर्सिंग की तरफ नहीं जा सकते। तो बेसिकली अच्छी प्रोडक्ट को हंट करना है सबसे पहले, तो उसके बाद ही हम सोर्सिंग की तरफ मूव करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो आपका क्राइटेरिया था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो अगर आपके पास टूल्स अवेलेबल है तो आप इस पे एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जो फिल्टर्स मैंने बताया इसमें आप प्लस माइनस कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे 3000 लिखा है तो आप 3000 ही लिखे, अगर आप सेम नंबर ही लिखते जाएंगे तो आपको बार बार सेम रिजल्ट ही शो होंगे। अगर मैंने यहाँ पे PSR जो है वो 20,000 लिखा है तो आप यहाँ पे 10,000 करके इसको सर्च कीजिएगा, ताकि आपके पास जो है वो डिफरेंट रिजल्ट जनरेट होने शुरू हो जाए। बेसिकली कोई क्वेश्चन इसमें है तो मुझे पूछ लीजिएगा आप। जी जी इसके अंदर देखें, अभी जैसे आप देख रहे थे उसमें कुछ लिक्विड प्रोडक्ट्स आ रहे थे, उसकी हमारी कोई लिमिटेशन तो नहीं होती लिक्विड प्रोडक्ट्स को सोर्स करना, फिर अमेजोन के वेयर हाउस में कोई अप्रूवल्स वगैरह इस तरह के भी, या वो उसमें अमेजोन सपोर्ट करता है? जी मैं आपको बता देता हूँ, जो लिक्विड्स प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें भी आप स्टार्ट में ना जाइएगा। लिक्विड्स प्रोडक्ट्स में उसमें आपको इश्यू ये आ सकता है, एक तो आपको उस प्रोडक्ट के लिए लिक्विड जो प्रोडक्ट होगी अमेजोन आपको ये कहता है उस प्रोडक्ट के लिए कि आप उस प्रोडक्ट को जो मेरे पास भेजे तो उसको पोली बैग्स में पैक करें दोबारा से। आपको आइडिया होगा पोली बैग का, पोली बैग जो होता है उसको उसमें आपको उस प्रोडक्ट को डालना पड़ता है, उसको सील करके तो फिर अमेजोन के पास उसको भेजना पड़ता है। तो लिक्विड प्रोडक्ट्स, ग्लास प्रोडक्ट्स, सिरेमिक प्रोडक्ट्स, इनमें भी स्टार्ट में जाने से, तो स्टार्ट में जो है लिक्विड्स और जो उसकी है दूसरी सिरेमिक ग्लास की प्रोडक्ट्स होगी, और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कैमरास वगैरह होते हैं, या कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो खराब हो सकती हो, तो इन प्रोडक्ट्स में आप ना जाइएगा स्टार्ट में। शायद किसी का माइक माइक ऑन है। तो इसलिए वो अगर आप उसमें जाते हैं तो उसके लिए आपको वो पॉली बैग लगाना पड़ेगा। तो पॉली बैग जो है अमेजोन है वो खुद भी लगाता है, लेकिन वो आपसे चार्ज करेगा अगर आप अमेजोन से नहीं लगवाते और आप 3PL के सर्विसेज यूज करते हैं तो उसके लिए भी आपको उसको पे करना पड़ेगा पॉली बैग के लिए। तो ग्लास की, सिरेमिक और ऐसी लिक्विड टाइप प्रोडक्ट्स में स्टार्ट में ना जाइएगा। लेकिन वो इसलिए हम स्टार्ट में नहीं जाते, लेट्स सपोज कि हमारी इन्वेंट्री को अगर कुछ हो जाता है, कोई मसला होता है ऐसा, या कोई कस्टमर को कोई चीज़ सही से नहीं मिलती, तो हम जो है अभी स्टार्ट में हम अपना रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे होते हैं, हम रेटिंग्स एंड रिव्यूज लेना चाह रहे होते हैं। तो अगर हम स्टार्ट में ही कुछ ऐसा काम कर लेंगे जिससे हमारी रिव्यूज एंड रेटिंग खराब हो जाएगी तो फिर उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हमारे पास कुछ पॉजिटिव रेटिंग्स होगी तो कोई नेगेटिव रेटिंग आ जाए तो उसको हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टार्ट में ही हमारे पास कोई नेगेटिव रेटिंग आ जाती है, कोई ऐसा मसला हो जाता है, तो उसको फिर हम बियर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फिर वर्क करना पड़ेगा। तो स्टार्ट में हम जो है वो बिल्कुल सेफ खेलेंगे। सेफ खेलने का मकसद ये है कि हम उन प्रोडक्ट्स को छोड़ेंगे जो हमारे लिए थोड़ा सा रिस्क पैदा कर सकती है। तो उन प्रोडक्ट्स में स्टार्ट में जाना है जो इजीली हमारे लिए अवेलेबल भी हो। अवेलेबल होने का मकसद ये है कि वो आपके लिए ग्रेटेड ना हो, उसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन ना आ रही हो कि जिसमें आप कहें कि मैंने इसको पॉली बैग लगाना है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऐसी है जिसके खराब होने के चांसेस हो, तो उसमें स्टार्ट में हमें नहीं जाना चाहिए। स्टार्ट में हमें सिर्फ उस प्रोडक्ट में जाना चाहिए जो हमारे लिए फिजिकली अच्छी तरह अवेलेबल भी हो और उसको हम कोई ऐसा मसला उसमें ना आ रहा हो। तो
बेसिकली लिक्विड प्रोडक्ट्स में आप स्टार्ट में आ जाइएगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा ग्रोसरी की या होम आइटम्स ऐसी प्रोडक्ट्स यानी किचन के प्रोडक्ट्स आप चेक कीजिएगा स्टार्ट में, ताकि वो प्रोडक्ट्स जो है वो आपको इजीली सोर्स भी हो जाती है और इजीली आपको उसमें बहुत सी प्रोडक्ट्स जो आपको मिल भी जाती है। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो अच्छा, ये जो स्क्रीन विजिबल है इसमें बात जैसे +75% लिखा हुआ है, +5% लिखा हुआ है, कुछ इसी तरह कुछ रेड में भी कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है रेड में, हाँ मतलब ये जो इंफॉर्मेशन ग्रीन में है ना इसी तरह की वो माइनस में आ जैसे ये आ रही है। जी जी बिल्कुल, ये बेसिकली क्या चीज है एग्जैक्टली? ये बेसिकली आपको बता रहा है कि उसका सेल्स ट्रेंड जो है 90 डेज में उसका सेल्स जो है उसकी डाउन गई है, इसकी सेल्स जो है इस प्रोडक्ट की वो बात कर रहा है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है, उसके जो सेल्स ट्रेंड की अगर आप 90 डेज में बात करते हैं तो उसकी प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो थोड़ी कम हुई है, तो ये आपको बता रहा होता है यहाँ पे। बेसिकली ये जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे आप इनसे आपको कोई मतलब नहीं, ये आप इधर ना चेक कीजिएगा इसका कोई इशू नहीं है, बस जब हम प्रोडक्ट की वैल्यूएशन करेंगे तो वहाँ पे हम जो है उसको चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे थे हम कोई प्रोडक्ट है उसमें जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया वो आप मैच करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होता तो हम एक बार जरूर डिस्कस करेंगे कीपा को, हम डिस्कस करें उसका जो ग्राफ वहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का ग्राफ शो हो रहा है कीपा का, यहाँ पे बेसिकली ये जो ग्राफ है ये प्राइस हिस्ट्री वगैरह, ये हम एक बार ये क्या चीज़ें हैं ये सारी एक बार डिस्कस करेंगे, हम किस तरह से इसको देखते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी इसमें डेटा में आ जाते हैं, हम डेटा में हम प्रोडक्ट की डिटेल को डिस्कस करते हैं, ऑफर्स में देखते हैं और उसके अलावा जो बाय बुक स्टैटिस्टिक्स है ये बेसिकली हम वन बाय वन हर चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये तो कीपा की बात है, और हीलियम की जो बात रही वो हम हीलियम में अभी फिलहाल जो है हम सिर्फ कि हीलियम को यूज़ करते हुए हम किस तरह से प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे आज डिस्कस हमने किया है, कि हम एक तो हमने आज कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लिया है, उसके अलावा हमने आज क्राइटेरिया को डिस्कस किया है और कुछ जो कैटेगरीज हमारे लिए ग्रेटेड है या अनग्रेटेड है वो हमने डिस्कस की है, और आज हमने साथ उसके थोड़ा सा हीलियम का ओवरव्यू लिया है कि हम हीलियम पे किस तरह फिल्टर्स अप्लाई करते हुए जो है वो प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं है कि अगर हमने वहाँ पे फिल्टर अप्लाई करी ये सारी प्रोडक्ट्स हमारे लिए काम की है, नहीं, ये बेसिकली हमें उसने आइडिया दे दिया, क्योंकि हमें तो नाम नहीं ना पता होगा इन प्रोडक्ट्स के, अगर हम मैनुअली अमेजोन पे जाते तो हमें तो पता ही नहीं है कि क्या क्या चीज़ है जो अमेजोन पे इस कैटेगरी की बिक रही है, तो बेसिकली उसने हमें एक्सट्रैक्ट करके दे दिया डेटा कि इस कैटेगरी की ये प्रोडक्ट्स जो है वो अमेजोन पे सेल हो रही है, तो हम वन बाय वन फिर प्रोडक्ट्स को ओपन करते हैं, उनको एवेल्युएट करते हैं, जो हमने आपको क्राइटेरिया बताया उस पर आप देखते हैं कि कौन सी जो प्रोडक्ट है वो उस क्राइटेरिया को मीट करती है, देन हम उनमें से कुछ प्रोडक्ट जो हमारी फाइनल होती है वो हम अपनी शीट में ऐड करते हैं, शीट में ऐड करने के बाद हमें पता है कि ये प्रोडक्ट फाइनल है हमारी तरफ से, फिर उसके बाद हम फिर उसकी सोर्सिंग पे वर्क करते हैं, जब हमारे जैसे प्रोडक्ट्स फाइनल होगी तभी हम सोर्सिंग पे वर्क कर सकेंगे, जब तक हमारे पास प्रोडक्ट नहीं फाइनल होती तो हम उसकी सोर्सिंग पे वर्क नहीं करते, तो इसलिए जब भी प्रोडक्ट हंट करनी है सबसे पहले टूल्स पे ग्रिप बनाएं, अपने टूल्स के साथ प्रोडक्ट हंट करने की कोशिश करें, जब आप टूल्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आप इजीली कुछ और मेथड्स जो मैं आपको बताऊंगा उससे इजीली प्रोडक्ट हंट कर सकेंगे, थोड़ा सा मुश्किल स्टार्ट में लगता है, समझने में टाइम लगता है, लेकिन आप अगर इसे समझेंगे गौर से समझेंगे तो ये इजी वर्क है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टार्ट में जरा थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है प्रोडक्ट हंटिंग का, स्टार्ट में आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे होते आप बोर हो जाते हैं कि कोई चीज़ तो मिल ही नहीं रही, लेकिन स्टार्ट में मुश्किल लगेगा, लेकिन इस पर फोकस करना है तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करेगा तो आपका प्रोडक्ट्स भी मिल जाएगी, तो स्टार्ट में ज़रा मुश्किल लगता है काम, लेकिन इंशाल्लाह अगर हम साथ साथ डिस्कस करते हैं हम आगे देखेंगे प्रोडक्ट को कैसे वैल्यूएट करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम चेक करते हैं प्रोडक्ट में जाने के लिए, उसकी वेरिएशन को कैसे देखते हैं, उसमें हम सेल्स को कैसे देखते हैं, हम ये कैसे देखते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट की इतनी सेल्स है और इसमें इतने सेलर्स इन्वॉल्व है तो हम अगर इस प्रोडक्ट में जाते हो तो हमें कितनी सेल्स मिलेगी, हम इस प्रोडक्ट को सेल करने के काबिल भी हैं या नहीं है, तो इसको हम वन बाय वन हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। आज तो हमारी मेरी आपके साथ पहली क्लास थी तो आज मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया है इस चीज़ का, और उसामा मुझे बता रहे थे कि उन्होंने आपको ओवरव्यू दिया होगा होलसेल के हवाले से क्या बिजनेस है होलसेल का, तो इंशाल्लाह आज हम यहाँ पे क्लोज करेंगे इस क्लास को और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, हीलियम से नेक्स्ट हम मूव कर जाएंगे थोड़ा सा
कि इसके ग्राफ्स हम कैसे चेक कर सकते हैं और हम सेल्स कैसे चेक करते हैं इंशाल्लाह यहाँ पे हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में वो आप यहाँ से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसे, वो मैंने आपको कुछ कैटेगरीज बता दी है कि ये कैटेगरीज जो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसमें अगर मैंने वर्क किया हो तो मुझे आइडिया है कि ये जो कैटेगरीज गेटेड है, तो मैंने आपको वो बता दिया कि ये कैटेगरीज गेटेड है। तो उन कैटेगरी जो गेटेड कैटेगरीज है मैं आपको बता दिया और लिस्ट में मैं आपसे शेयर कर दूंगा एक जो कैटेगरी हमारे लिए गेटेड है, फिर आप उस कैटेगरी के प्रोडक्ट में ना जाइएगा। मैंने आपको रिकमेंड किया स्टार्ट में जो ग्रोसरीज की कैटेगरी है, होम एंड किचन की है, किचन डाइनिंग की है, और उसके अलावा जो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से अगर आप देख लें, तो स्टार्ट में आप जो है वो आर्ट एंड क्राफ्टिंग में जाइएगा, ऑटोमोटिव में चले जाइए, जो गेटेड नहीं है हमारे, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो गेटेड नहीं है आप उसमें सर्च कीजिए पहले, और उसके अलावा आप ये ग्रोसरी एंड फूड गवर्नमेंट फूड में जाइएगा, उसके अलावा आप ये हेल्थ में को भी छोड़ दीजिएगा स्टार्ट में, होम एंड किचन में चले जाइएगा, किचन एंड डाइनिंग में चले जाइए, और उसके अलावा आप यहाँ पे ऑफिस प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, पेस्ट्री और लॉन एंड गार्डन में जा सकते हैं, और ये जो रिकमेंडेड कैटेगरीज है इनमें आप मोस्टली ये वो कैटेगरीज है जिसमें प्रोडक्ट्स जो है वो ग्रेटेड नहीं होती। तो बाकी कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई है, हेल्थ की कैटेगरीज हो गई, या उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स के कुछ कैटेगरीज होती है, ये वीडियो गेम्स की टॉयज के कुछ कैटेगरीज हमारे पास ग्रेटेड होती है, और उसके अलावा जो हमारे पास ग्रेटेड कैटेगरीज में मेन आ जाता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स, ग्रेटेड तो नहीं हमारे लिए होती लेकिन हम इसमें खुद ही नहीं जाते। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में मेन जो रीज़न ना जाने की वो यही है कि जी इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का कोई पता नहीं होता, वो ख़राब हो जाती है, मसला हो जाता है उसमें, तो कस्टमर जो है वो आपसे रिफंड मांग लेता है या आपको रिप्लेसमेंट का कहता है। तो स्टार्ट में कभी भी इन कैटेगरीज में नहीं जाना जो हमारे लिए ग्रेटेड है या फिर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आ रही होती है, या फिर जिन प्रोडक्ट्स में जो सिरेमिक की प्रोडक्ट्स है, ग्लास की प्रोडक्ट्स है, और उसके अलावा जो लिक्विड के प्रोडक्ट्स हैं, इनमें स्टार्ट में ना जाइए। बाद में आप जरूर ट्राई कीजिए, वो इसलिए आप ट्राई कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने अपने अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन करना होता है, कुछ आपने सेल्स जनरेट करनी है, तो जब तक आप सेल्स नहीं जनरेट करेंगे तब तक वो आप अपने इन रिस्क वाले प्रोडक्ट्स पर ना जाइएगा। रिस्क वाले प्रोडक्ट्स में स्टार्ट में नहीं जाना चाहिए ताकि आपके सेल्स सेंट्रल पे या फिर आपके अकाउंट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ जाए। तो वो जो ग्रेटेड कैटेगरीज है उसमें आप ना जाइएगा, जो अनग्रेटेड कैटेगरीज मैंने आपको बताई है आप सिर्फ उसमें ही अभी सर्चिंग कीजिएगा, और नेक्स्ट हम मजीद जो है वो फर्दर डिस्कस करते जाएंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी जो है वो हमारे लिए ग्रेटेड हो रही है और कौन सी अनग्रेटेड हो रही है। जी किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। नहीं जी मेरी तरफ से तो कोई क्वेश्चन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज क्लियर, बाकी तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें फिर आगे जी बिल्कुल आएंगे। तो जी बिल्कुल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप इस चीज में कर सकते हैं आपको उतना ही ज्यादा रिजल्ट्स जनरेट होते हैं। अगर आप देखने पे रहेंगे, अगर लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, मैं आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स निकाल रहा हूँ और आप सब देख के कह देंगे ठीक है मैं ये कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको चीजें समझ नहीं आएगी। थोड़ा सा बोर काम लगता है स्टार्ट में, सिर्फ इस वजह से लगता है कि आपके सामने सेम चीजें आ रही होती है, आप सेम चीजें अवॉइड इस तरह कर सकते हैं कि आप कभी जो है वो यहाँ पे नंबर्स में चेंजेस करें, यहाँ पे चीजों में चेंजेस करके आप जो है वो जो है डिफरेंट रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने पे है, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो हम नेक्स्ट क्लास में साथ साथ जरूर डिस्कस किया करेंगे, ताकि कोई ऐसी चीज जो मेरे एंड से मिस ना हो जाए या आपके एंड से कोई चीज मिस ना हो जाए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे, आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और जो स्लाइड्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, होपफुली हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं चीजों को, आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई ऐसी चीज हो तो मुझे बताइएगा जरूर। जो मैंने आपको शीट का बताया वो आप शीट क्रिएट कीजिएगा, उस शीट का आपको ये फायदा होगा कि अगर आपने नेक्स्ट मेरे साथ कोई प्रोडक्ट डिस्कस करनी होगी तो आप इजीली वहां से मुझे ऐसे उसका बता सकते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे सर्च करके तो आपके साथ वो डिस्कस कर लिया करूंगा।
तो वो शीट का आप बनाने का आपको खुद भी ये फायदा हो जाएगा कि आपके पास खुद भी एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। जब आप नेक्स्ट टाइम किसी प्रोडक्ट पे वर्क करना चाह रहे होगे तो आप सबसे पहले जो प्रोडक्ट की लिस्ट आपके पास पड़ी होगी आप उनको देख के दोबारा से एक बार इवेल्यूएट कर सकते हैं, और दोबारा से उन प्रोडक्ट्स में अगर आपको सोर्सिंग मिल जाती है तो आप उन प्रोडक्ट्स को अपने सेलर सेंटर में लिस्ट कर सकते हैं। तो जब भी प्रोडक्ट हंट करें जरूर शीट में जो आपको लगता है कि प्रोडक्ट ठीक है उसको आप जरूर शीट में ऐड कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जरूर डिस्कस करेंगे साथ साथ जो आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह इसको आज क्लोज करते हैं यहाँ पे। ओके राइट, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।